तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स आज तीन मिस्टेक्स पे बात करने वाला हूँ जो घर बनाते टाइम हर कोई कर रहा है। अभी मतलब जो गांव में कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं ज़्यादा वहीं देखी जा रही है, जो बिना आर्किटेक्ट के काम किए जा रहे हैं उसमें। तो जो सबसे पहली मिस्टेक है, सामने आप स्टील देख रहे हो, कॉलम का स्टील है। एक तो मिस्टेक सामने इसमें क्या दिख रही है, अल्टरनेट स्टील यूज़ नहीं की है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी मिस्टेक देख रहे हो, गैप देख रहे हो स्टील में कितना रखा हुआ है, मतलब जो लॉन्गर साइड है उसमें एक भी स्टील यूज़ नहीं किया। इसको आप अच्छे से कर सकते थे, कैसे, जो बीच के जो छोटा वाला पोर्शन है वहाँ तीन स्टील यूज़ किए हैं, इसको आप साइड पे ले लो। मतलब हमेशा ये याद रखना कि आपका जो भी कॉलम आप यूज़ करो बनाने में, मतलब घर कॉर्नर में चार स्टील तो होना ही चाहिए और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए, मतलब सबकी स्पेसिंग बराबर डिवाइड होनी चाहिए, ये मेन चीज़ आपको देखनी है। लेकिन जो भी अभी घर बना रहे हैं उनमें क्या किया जाता है, कोई प्रॉपर स्पेसिंग का ध्यान नहीं देते। जो स्टीरअप का होता है उसका भी मतलब स्पेसिंग इतनी ज़्यादा दी जाती है, 200 से 300 स्पेसिंग, उसमें कोई काम नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम कि जो आप स्टील वर्टिकल बार्स यूज़ करो वो तो एक प्रॉपर डाया का हो और उनमें बराबर की स्पेसिंग डिवाइड की होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है घर बनाते टाइम। दूसरी चीज़ जो देखी गई, मैंने देखा कि ये सामने आप एक क्या है, ये कॉलम है, और ये कॉलम कब किया है, जब इन्होंने वॉल्स कंप्लीट कर ली उसके बाद कॉलम दिया, इसका कोई मतलब काम ही नहीं है। अगर आप बाद में कॉलम देंगे वो एज़ वो कॉलम वर्क नहीं करेगा। और दूसरा क्या है, इसका आप देख रहे हो इसका कोई मतलब वर्टिकलिटी है ही नहीं, मतलब सीधा है ही नहीं, ये ऊपर नीचे ये प्रोवाइड किया, मतलब कॉलम इधर उधर घूम रहा है, कोई प्लम में नहीं है। तो इस कॉलम का कोई काम नहीं है, हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वॉल दो सबसे पहले कॉलम प्रोवाइड करो उसके बाद आप वॉल्स प्रोवाइड करना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा कि आपको पहले कॉलम देना चाहिए बाद में, ये चीज़ आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये मिस्टेक मैंने हर जगह देखी, आजकल गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है क्या करते हैं, पहले वॉल खड़ी कर लेते हैं उसके बाद कॉलम प्रोवाइड करते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है बाद में कॉलम प्रोवाइड करने का। और नेक्स्ट मिस्टेक जो देखी जा रही है आजकल, मतलब जो गांव की कंस्ट्रक्शन हो रही है जहाँ डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट के बिना, वो क्या करते हैं, कॉलम का डिस्टेंस आप सामने देख रहे हो, एक प्लान एकर का मतलब प्लिंथ हो गया है, इसमें क्या किया गया कि कॉलम जो प्रोवाइड, मतलब देखो एक दो दो कॉलम प्रोवाइड किए हैं। तो फ्यूचर में ये घर अभी डबल स्टोरी बना, कि जो प्लान ये बनाया गया है ये डबल स्टोरी के लिए बनाया है, और इसमें किया गया दो, मतलब दो यहाँ कॉलम दिए हैं एक साइड पे दिया हुआ, मैं दिखाता हूँ। लेकिन इनका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये कॉलम प्रोवाइड किए हैं। और जो हमारा थंब रूल या ऐसे भी देखा जाएगा अगर लोड के हिसाब से, तो आपको 4 या 4.5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है। तो यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, इन फ्यूचर ये घर कोलैप्स भी हो सकता है, अगर इसमें डबल या ट्रिपल स्टोरी आया तो ये कोलैप्स गारंटी हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा 4 से 5 मीटर के बाद आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही करना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कि क्या क्या मिस्टेक की जा रही है। काफ़ी वीडियो में लाने वाला हूँ, स्लैब के ऊपर लाने वाला हूँ, प्लिंथ बीम के ऊपर या स्टील में फुटिंग में कौन सा सरिया यूज़ करना है, ये वगैरह वीडियो आने वाली हैं। थैंक यू। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज हम एक साइड विजिट पे आए हैं, तो यहाँ चल रहा है बीम का रिंग बांधने का काम, मतलब बीम फसाना और बीम का रिंग बांध रहे हैं, लैप कर रहे हैं, सब काम चल रहा है। तो आज का टॉपिक फिर उसी पे है मेरा कि जो बीम जब बांधते हैं उसमें क्या क्या ध्यान देना होता है एज ए फ्रेशर, एज ए साइट इंजीनियर, जब आप बीम बंधवा रहे हो और क्या क्या दिक्कतें आती हैं बीम करते टाइम, और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बीम होते टाइम। तो सामने आप देख रहे हो एक बीम है, कंटिन्यूस बीम है, तो उसमें स्टीरअप डाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिसमें 6 लैग रिंग होती है या 8 लैग रिंग होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है डालने में। जैसे ये देखो ये रिंग डाल रहा है और इस जो बीम है ये, इसमें ऊपर भी 5 बार हैं 20 डाया का, नीचे भी 5 बार हैं, फेस बार हमारा 20 का है, तो काफ़ी हैवी बीम है। ये सबस्टेशन बिल्डिंग है तो इसमें बीम काफ़ी बड़ा दिया है। तो इसमें क्या ध्यान देना है, अब जब क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वहाँ सुपरवाइज़र नहीं मिलेगा, मैं ये प्रॉब्लम देखी जाती है जब भी, तो आपको एज़ जब आप साइट इंजीनियर हो तो आपको वहाँ रह के काम करवाना पड़ेगा। एक तो पहले तो आपको मार्किंग करवानी पड़ेगी पूरी एक्यूरेट, क्योंकि जब चेकिंग के दौरान अगर बीम बंद गया और मार्किंग गलत हुई तो इतना बड़ा बीम दोबारा खोल के करना बहुत बड़ी दिक्कत का काम है और एक क्लाइंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको रुक के वहाँ मार्किंग करवानी पड़ेगी और दूसरी पूरा रिंग उसको बताना पड़ेगा कि इस बार में इतना रिंग आएगा या
6 लाख रिंग, अगर आप वहाँ पे सुपरवाइजर या फोरमैन अवेलेबल है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, थोड़ा बहुत आपको उसको शेड्यूल दे के समझा के आप काम हो सकते हैं। अगर आप साइड इंजीनियर हो वहाँ पे तो काफ़ी आपको उसको बताना पड़ सकता है। तो आप सामने देख रहे हो वो रिंग फंसाना, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर बार बहुत ज़्यादा है तो रिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। ये देखो सब जगह बीम बांधे जा रहे हैं और सामने आप देख रहे हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मतलब जो हमारा मेन बार होता है और रेस्टिंग बीम होता है तो उसमें क्या आपको ध्यान देना है, जब आप दो मतलब जब एक्स प्लस बन रहा है मतलब वहाँ से भी बीम आ रहा है और यहाँ से भी, उस चीज़ में आपको क्या ध्यान देना होता है, तो उसमें क्या सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है कि साइड पर क्या गलती करते हैं, हमारे जो कंटिन्यूस बीम है उस पर हमारा जो बीम होना चाहिए वो रेस्ट होना चाहिए। मैं आगे आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखो ये जो हमारा बीम है, ये सामने वाला, ये रेस्टिंग बीम है मतलब कॉन्टिन्यूस बीम पे, क्योंकि इसका जो लोड है वो उस पर जो मेन बीम है उस पर जाना चाहिए। तो दो बीम हो गए, मतलब एक प्राइमरी बीम हो गया एक मेन बीम हो गया। तो हमेशा ध्यान देना कि जो आप बीम का रेस्ट करवाओगे वो मेन बीम पे आपका रेस्ट होना चाहिए। और साइड पे सबसे ज़्यादा गलती क्या की जाती है कि जो मतलब जो मेन बीम है वो उसके ऊपर डाल दिया जाता है जो हमारा सेकेंडरी बीम है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर देता है और ये स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और मैं आपको विजिट करवाता हूँ, अभी दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिंग को डाला जाता है कॉलम के सेक्शन में, क्योंकि एकदम अगर चार वार होंगे ऊपर तो वो कॉलम बांधना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, सामने देख रहे हो, देखो ये जो बीम है ये भी उसके ऊपर 5 बार आने वाले, और अगर एक बार बार का थोड़ा पीछे आगे पीछे होगा ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है। तो इससे आपको बचने के लिए आपको साइड पे रहना है, और क्योंकि अगर फोरमैन नहीं है तो आपको पूरा प्रॉपर वे से स्टार्टिंग से ही काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे बीम होते हैं। अगर बड़ी बिल्डिंग है उसमें थोड़ी भी दिक्कत होगी उसको सही करने में इतना टाइम कंज्यूम होगा, इतनी लेबर कंज्यूम होगी और काफ़ी लॉस हो सकता है आपको। तो ये चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर साइट पर जाके ध्यान देनी है, बीम भी जब भी आप बंधवाओ। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज। आज मैं बताऊँगा आपको साइट पे जाके आपको बीम की चेकिंग कैसे करनी है, उसमें टॉलरेंस कितनी एक्सेप्टेबल होती है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो आपको अगर पसंद आ रही है तो बाय लोग उनको लाइक करो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी आपको बीम की चेक करने का प्रोसेस। सबसे पहले क्या चीज़ें आपको देखनी होती हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो चेकिंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले मटेरियल से, कि जो ड्राइंग में डाया दिया है वो प्रॉपर डाया प्रोवाइड किया है नहीं किया है, ये फर्स्ट चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आती है हमारी जो मतलब बार का है, TMX का है, TMT का है, जो का है वो बार प्रोवाइड किया है नहीं किया है, ये होती है। तीसरी जो जैसे वाइंडिंग वायर देख रहे हो आप सामने, वाइंडिंग वायर प्रॉपर यूज़ की है, GI की है कि NL वायर है, जो भी गॉज की वायर कही है वो आपको चेक करनी है। फिर बात करते हैं हमारा स्पेसिंग का, क्योंकि स्पेसिंग तो उसने लगभग प्रॉपर प्रोवाइड की होगी। अगर स्पेसिंग देखें तो स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है, अभी जो बार है नंबर ऑफ बार्स वो प्रॉपर प्रोवाइड की है नहीं की है, जहाँ जो अगर जिसमें हमारी 6 लैग रिंग है तो यहाँ हमारी 6 लैग रिंग प्रोवाइड की नहीं की है, वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये मेन चीज़ें जो आपको बेसिक है। अभी आया हमारा मेन चीज़, जो जंक्शन रहता है जहाँ पे, वहाँ जंक्शन में रिंग उसने प्रोवाइड की नहीं की है नहीं की है, ये भी आपको ध्यान देना है जब वो बीम बांध रहा है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान देनी है वो देनी है कि आपका जो जंक्शन है वहाँ क्या होता है, सरिया इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ देखना है कि कहीं सरिया उसने बाहर से तो नहीं निकाल दिया कॉलम से, वो मेन चीज़ आपको देखनी होती है। क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं वो एक गलती करते हैं, क्या करते हैं, अगर 5 बार प्रोवाइड का है करने को, वो 4 कॉलम के अंदर से लेंगे जंक्शन से, एक बाहर कर देंगे, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपके जो बार रहे हमेशा सब बार कॉलम के अंदर से जाने चाहिए। और जो जंक्शन रहता है जैसे, तो जंक्शन में आपको स्टीरअप प्रोवाइड करना ही है, मेन जो जंक्शन ही है जो पूरे कॉलम को बीम को पकड़ के रखेगा। और एक चीज़ जो जरूर ध्यान रहनी है, जब बीम आप देखो कि उसने जो डेवलपमेंट लेंथ है वो प्रॉपर प्रोवाइड की है नहीं की है, ये चीज़ देखनी है। और देखना है उसके ने जो लैप है हमारा बीम में, जो लैप
आएगा, क्योंकि हमारा बीम तो 20-30 मीटर का होगा कंटिन्यूस बीम, उसमें 12 मीटर का बार के बाद आपको लैप करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लैप प्रोवाइड किया है उसने, वो स्टैगर्ड लैप प्रोवाइड किया है, लैप लेंथ प्रोवाइड प्रॉपर किया नहीं किया है। अगर हमारा बीम है तो उसमें उसमें अगर 5 बार हैं तो 3 ऊपर 2 नीचे होंगे, तो उसमें बीच में पिन प्रोवाइड की है नहीं की है वो भी आपको चेक करना होता है बीम की चेकिंग के दौरान। सामने आप बीम देख रहे हो, इसका जो डेवलपमेंट लेंथ है वो चीज़ देखने लगी है, सिरप की हुक प्रॉपर प्रोवाइड की है नहीं की है। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में टॉलरेंस की बात कही थी, तो मैं टॉलरेंस बताऊँ इसकी, तो जो कटिंग की टॉलरेंस होती है, अगर बार 50 mm ज़्यादा बड़ा कटा है तो वो एक्सेप्टेबल, लेकिन छोटा बार एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर स्टीरप की बात करें तो स्टीरप की जो हुक होती है वो अगर 10 mm बड़ी है या 20 mm बड़ी है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन छोटी -10 mm ही एक्सेप्टेबल होती है जब आप स्टीरप प्रोवाइड करेंगे। अगर स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग में अगर 15 mm प्लस माइनस रहता है, अगर 15 mm बड़ा है या 15 mm छोटा है वो भी साइड पे एक्सेप्टेबल होता है। और अगर उसकी बात करें कवर ब्लॉक की जो बीम में प्रोवाइड करें, अगर कवर ब्लॉक ज़्यादा है 10 mm वो एक्सेप्टेबल है, छोटा एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह से बाद में क्रैक्स आ जाएंगे। तो बीम में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको चेक करनी है, जब भी आप बीम साइड पे चेक करो। थैंक यू गाइस, ऐसे ही प्यार देते रहो, वीडियोस देखते रहो, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ये बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई है। हर बार कंस्ट्रक्शन होती है तो ये मिस्टेक देखी जाती है। आप सामने बीम देख रहे हो, तो बीम में कवर का कितना इम्पोर्टेंस है वो मैं आज आपको बताऊंगा। मैं एक साइट पे विजिट के लिए गया था, तो हमने वहाँ देखा कि कवर नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या क्या होगा, मतलब बीम पूरा टोटल फेल हो चुका है, कैंटिलीवर स्लैब मतलब फेल हो चुकी है और क्रोजन पकड़ ली, और कुछ ही दिनों कुछ ही ईयर में वो कोलैप्स हो जाएगा। तो सामने देख रहे हो, मतलब एक बीम है जो मतलब पूरा क्रैक हो गया। ये क्यों हुआ है, ये रीज़न है इसका कवर ब्लॉक, यहाँ प्रॉपर कवर नहीं दिया था, उसकी हुआ क्या, थोड़े क्रैक क्रिएट हुए, क्रोजन लगी और पूरा मतलब क्रैक्स बड़े होते गए। मतलब यहाँ सामने आप स्लैब देख रहे हो, यहाँ भी क्या था, मतलब कोई कवर प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर में क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हो गए, वॉइड्स बने और क्रोजन पकड़ ली गई, और क्रोजन से क्या हुआ, क्रैक बड़े होते गए। और इसमें बीम में क्या देखा गया कि जो रेनफोर्समेंट थी वो मतलब बिल्कुल ही कम प्रोवाइड किया, और उससे क्या, क्रैक्स ज़्यादा हो गए और थोड़ा बेंड हो गया बीम। और यहाँ पूरे कैंटिलीवर स्लैब में मतलब कोई कवर नहीं प्रोवाइड था, सिर्फ प्लास्टर था 10 mm, उससे क्या हुआ, क्रैक क्रिएट हुआ और पूरा मतलब क्रैक पड़ते गए और वो नीचे गिरता हुआ। ये बहुत बड़ी मिस्टेक देखी गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। अभी कभी भी आप कॉलम प्रोवाइड करो या बीम मतलब या स्लैब, तो मतलब बीम में आपको मिनिमम आपको 40 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है, और आपको स्लैब में 25 mm का कवर प्रोवाइड करना ही करना है। ये ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो ये बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब अभी 5-6 साल ही हुए हैं, लेकिन इसमें फेलियर आ गया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ कवर प्रोवाइड नहीं किया था। तो इससे मतलब ये बहुत बड़ा मेरे हिसाब में फेलियर है हम, क्योंकि अभी भी मैंने काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखी है कि कवर को निग्लेक्ट कर देते हैं, इतना महत्व देते ही नहीं है। तो यहाँ भी वही, अभी धीरे धीरे क्रैक्स बड़े होते जा रहे हैं और ये गिरती जा रही है, और विद इन ईयर ये मतलब क्लैप्स हो जाएगा बीम। देखो यहाँ पे भी क्रैक्स क्रिएट हो गए हैं, और डे बाई डे क्या हो रहा है, मतलब क्रोजन बढ़ती जा रही है और बीम क्लैप्स होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को इग्नोर ना करें और कवर अच्छे से प्रोवाइड करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक साइट पे विजिट के लिए आए हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इधर मैंने कॉलम में क्या क्या मिस्टेक देखी है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक सामने आप मेरे देख रहे हो, ये कॉलम है 350x350 का, यहाँ जॉगल किया हुआ है 100 mm, पूरा मतलब कॉलम के बाहर शिफ्ट करती हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर ये कॉलम फेल होने वाला है गारंटी। ठीक है, पहली बात तो कॉलम में जॉगल अलाउड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो जॉगल किया हुआ है बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है कॉलम में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ देख रहे हो आप कवर, एक तरफ बिल्कुल जीरो कवर हो गया लगभग, मतलब 20 mm कवर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कितना कवर हो गया, कोई 90 mm कवर हो गया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कॉलम का जब लोड पड़ेगा तो अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। और मतलब यहाँ देख रहे हो आप स्पेसिंग, जो बार्स के बीच की स्पेसिंग है उसमें भी बहुत मतलब इधर जोर किया हुआ है। देखो इस तरह मेरे को मिल रहा है 200, यहाँ पे हो गया हमारा 350, और इधर हमारा हो गया 100, मतलब हर
वर्टिकल बार्स में अलग अलग स्पेसिंग की हुई है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है इसमें भी कॉलम में, तो ये रिजेक्टेड कॉलम है, इन फ्यूचर ये भी आगे जाके फेल हो जाएगा कॉलम। इधर सामने देख रहे हो चार कॉलम हमारे फुटिंग के साथ बाहर निकाले हुए हैं, ये भी मेजरमेंट में थोड़ी भी गलती की वजह से ये चार के चार कॉलम इनको बाहर निकाल के करने पड़े, क्योंकि ये तो इसमें 100 mm कॉलम शिफ्ट हो गए थे, इसलिए इन कॉलम को बाहर निकालना पड़ा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, अगर कॉलम की मतलब स्टार्टिंग में आप थोड़ी मिस्टेक कर दोगे तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। थोड़े दिन पहले मैंने एक टॉपिक डाला था जिसमें दिखाया था कि जो हमारी साइट पे मिस्टेक हो जाती है स्टील वर्क में, काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, जो अपना सेंटर लाइन से या ग्रिड से बोलो मिस डिस्प्लेस हो जाता है स्टील, तो उसकी करेक्शन कैसे करते हैं उस पर मेरा एक वीडियो था। जैसे आप सामने देख रहे हो स्टील पूरा टोटली एक तरफ हो गया, ये किया गया लेकिन गलत प्रोसेस है। ये मेरी पहले की वीडियोस थी, उसमें मैंने दिखाया था कि क्या क्या बिग मिस्टेक होती हैं, और वैसे ही थोड़े दिन बाद मैंने उस पर एक वीडियो लाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम इसकी करेक्शन कैसे करते हैं अच्छे से। तो आज का टॉपिक भी वही है कि जो हमारी करेक्शन का एक और मैं मेथड आपको बताऊँगा, बेस्ट वे, मतलब जो मेरे ख्याल में उस तरीके से भी बेस्ट है। जो थोड़े दिन पहले मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने करेक्शन को बताई हुई थी, तो आज का टॉपिक उसी पे है कि कैसे हम अच्छे तरीके से, जैसे ये स्टील अगर इधर उधर हो जाए उसको पोजीशन में कैसे हम रख सकते हैं, एक उसका एक अल्टरनेट बताऊंगा, मतलब एक कहो तो प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा वो तरीका, लेकिन वो एक अल्टरनेट है, उससे हम इजीली कर सकते हैं। तो सामने ये पुराना वाला तरीका है, जिन्होंने वो पुरानी वीडियो नहीं देखी थी उनको मैं बता दूँ कि उसमें क्या किया था हमने, जहाँ से स्टील नहीं था मिसप्लेस हुआ था वहाँ होल करके नया स्टील ग्राउट करके हमने प्रोसीजर किया था। तो इसमें थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसमें जो एक ग्राउटिंग मटेरियल यूज़ होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, और होल करना एक प्रॉपर नहीं होता है, जहाँ फुटिंग होगा तो नीचे सॉइल आ जाएगी या नीचे स्लैब आ जाएगी, तो काफ़ी जगह होल नहीं कर पाते हैं। तो उस जगह के लिए क्या अल्टरनेट है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका अल्टरनेट है, सामने आप देख रहे हो एक आपको प्लेट दिख रही होगी एम एस की, मतलब स्टील की प्लेट। तो क्या करना है, जहाँ से आपका स्टील मिसप्लेस हुआ है मतलब उस पोजीशन पे नहीं है जहाँ आना चाहिए था, वहाँ क्या करोगे आप, उस पोजीशन में आपको प्लेट इंसर्ट इम्बेड करनी है, या तो उसको बेल्ट कर दो या तो एंकर फास्टनर करो। जब वो हो जाए उसमें क्या करना है आपको नया स्टील बेल्ट कर देना है डेवलपमेंट लेंथ के साथ, अगर पॉसिबल है तो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करो। आपका बीम अगर आपका लेंथ कॉलम अगर बड़ा है तो आप डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं तो उसमें क्या करना है आपको जितना आपका एल पॉसिबल हो उसका एल रखना, उतना आप एल रख के उस प्लेट पे उस स्टील को वर्टिकल स्टील को बेल्ट कर देना है, कितना जितना उसकी ऊपर लैप मिल जाए। सामने आप देख रहे हो वैसे ही हुआ है हमारा, यहाँ भी थोड़ा कॉलम में प्रॉब्लम थी, तो इसमें क्या किया है 16 mm की प्लेट नीचे रख लगाई हुई है, उस पर वर्टिकल स्टील वेल्ड किया हुआ है, और ये मतलब एक कहें तो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि जो हमारी प्लेट होगी नीचे वो प्रॉपरली लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी पूरे एरिया में, अगर बाय चांस जो, क्योंकि नीचे से तो हमारा वर्टिकल स्टील प्रॉपर आया होगा, तो उसमें ये प्लेट क्या काम करेगी कि जो भी उस वर्टिकल बार पे लोड आएगा वो टोटली एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो सेफ रहेगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम सरिया ग्राउट करके उस पर आगे बेल्ड करें सरिया। तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली 16 mm की आपको प्लेट लेनी है, वहाँ फिक्स कर देनी है, वो बेल्डिंग से करो या एंकर फास्टनर करो, उसके बाद आपको वर्टिकल स्टील उस पर बेल्ट कर देना है। ये एक सही तरीका तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन एक अल्टरनेट है अगर आपका ग्रिड लाइन से सरिया इधर उधर हो जाता है। तो उसके बाद क्या, अगर पॉसिबल हो उस एरिया में आपको एक छोटी सी राफ्ट जैसी करके राफ्ट भर देनी है, अगर कॉलम ही है तब भी वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड कर देना है 12 mm का पूरे कॉलम में, जहाँ स्टार्टर होगा बेशक, जहाँ आपका स्टार्टर रहेगा, उसके बाद आपका वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि अगर ये गलती साइड पे ना हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो जिस हिसाब से डिज़ाइन किया होता है वर्टिकल बार्स को, अगर वो अपनी पोजीशन से इधर उधर हो जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है स्ट्रक्चर को। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, ऐसे ही प्यार देते रहो।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं जिसपे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आज मैं बताऊंगा कि कॉलम की रीइंफोर्समेंट में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। मतलब शटरिंग होने से पहले आपको वो चीज़ें नोटिस कर लेनी है, और उनको अगर एज़ पर ड्राइंग नहीं मिले तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। तो आज ये कॉलम्स सामने दिख रहे हैं, इन पे मैं आज बताऊंगा कि इनमें चेकिंग के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है। तो आज हम एक साइट विजिट पे हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको मतलब इन सब कॉलम में मतलब क्या चीज़ें हैं जो ड्राइंग में दी हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं दी हुई हैं, क्या आपको देखना होता है रिइंफोर्समेंट चेक करते दौरान, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार हम यहाँ चेक कर लेंगे साइट पे क्या अवेलेबल है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, और उसके बाद मैं ड्राइंग में भी दिखाऊंगा कि ड्राइंग में क्या चीज़ें दी रही हैं। तो आज अभी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं बताना आपको चालू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है साइट पे। तो ये हमारा कॉलम है सामने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना है, मतलब उसका डाया स्टील का, कि जो स्टीरअप का डाया दिया हुआ है या मेन बार का डाया वो प्रॉपर है ये। और यहाँ क्या है, जो स्टील मतलब हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं हम, TMX 500, ये प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, ये चीज़ें देख लेनी है आपको। और मतलब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, हुक, उसकी हुक प्रॉपर, मतलब मेन चीज़ आपको देखने को जो मिलेगी हुक उसकी, मतलब आपको मिनिमम 70 mm उसमें प्रोवाइड करनी है। अभी तो आपको 10D के हिसाब से प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि ये हमारा अर्थक्वेक जोन है, तो आपको 10D प्रोवाइड करनी है। और आगे क्या देखना, जो यहाँ एक गलती हुई है कि रीइंफोर्समेंट में जो प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है, यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आपकी ज़्यादा है, बीच में कम हो गई है, फिर ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत मतलब एक खराबी है कॉलम में, और ये चीज़ें आपको देखनी है। दूसरी आगे हमारी ये वो जो बाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है, तो प्रॉपर वाइंडिंग वायर यूज़ की जा रही है, माइल्ड स्टील की है या गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर है, अगर जैसा वर्क ऑर्डर में दिया रहेगा आपको वही साइड पे प्रोवाइड करनी रहेगी कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ हमारी ये माइल्ड स्टील वायर यूज़ की जा रही है, तो प्रॉपर है। मेन यहाँ मेन को ये कॉलम में कमी मिली जो स्पेसिंग है बार की, ये स्पेसिंग बीच में कम है और साइड पर ज़्यादा है, ये बहुत मतलब ख़राब चीज़ है, इसमें मतलब इफेक्ट पड़ सकता है स्ट्रक्चर पर, लोड पर, तो ये नोटिस कर लेना है। दूसरा आपको क्या देखना है, दूसरी चीज़ आपको देखनी है मतलब इसका कवर, आपको कवर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। यहाँ हमारे पॉइंट मार दिए, मतलब टोटल स्टेशन से पॉइंट मार दिए दोनों तरफ, ठीक है, यहाँ और यहाँ पॉइंट मार दिए, अभी प्रॉपर कवर मिल रहा है। हमारा ये फाउंडेशन का कॉलम है, तो यहाँ हमें 75 mm कवर चाहिए, और यहाँ कवर हमारा लगभग प्रॉपर कवर हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये चीज़ देख लेनी है। इसमें क्या है, हमारा टोटल स्टेशन से पॉइंट मारे रहते हैं, और यहाँ हम मतलब उसको उससे विद्या मतलब काट को ना, एक मैं इस पर वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट, अभी इसी पे वीडियो लाऊंगा कि हम टोटल स्टेशन से पॉइंट मार के कैसे उसका फॉर्म वर्क करते हैं। तो यहाँ पॉइंट मारे हुए हैं, तो उसी पे फॉर्म वर्क हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हमें क्या रिइंफोर्समेंट क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी 3-4 चीज़ें जो आपको नोटिस करनी होती है, हुक हो गई, डाया हो गया स्टील का, और मतलब बाइंडिंग वायर वगैरह ये सब देखनी होती है। अभी मैं ड्रॉइंग में बता देता हूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा कॉलम की सेक्शन दिखाई हुई है, तो मेन क्या देखना है आपको, डाया को क्या प्रोवाइड किया उन्होंने, 16 डाया का 12 नग, वो हमने साइड पे देख लिया कि हमारे जो डाया वो प्रोवाइड प्रॉपर किया है। और स्टीरअप का क्या दिया हुआ है, स्टीरअप का दिया हुआ है 8 डाया का 100 का स्पेसिंग से बार, तो हमने स्पेसिंग देख ली उसकी कि हमारा स्पेसिंग प्रॉपर है, बट जो हमारा वर्टिकल बार था उसमें थोड़ा स्पेसिंग में गड़बड़ था। और यहाँ हमारा दिया हुआ है कि हमें जो फुटिंग फाउंडेशन में कवर कितना प्रोवाइड करना है, 75, ये भी हमने देखा कि हमारा जो कवर था वो प्रॉपर प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे। दूसरा था कि रिइंफोर्समेंट स्टील शैल बी अपग्रेड FE 560 mm, वो भी वहाँ पे प्रॉपर से प्रोवाइड किया था। तो यही चीज़ें थी आपको जो देखनी थी मतलब उसमें। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियोस इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गैस, आज का टॉपिक फ्रेशर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो अपने घर की डुप्लेक्स करना चाहते हैं सिंगल स्टोरी के बाद, जहाँ जिन्होंने एक्सटेंशन करना है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरी वीडियो देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो आज का वीडियो है हमारा केमिकल एंकरिंग, कि प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं, और इसमें आपको कौन सा केमिकल अच्छा यूज़ करना है, और क्यों करते हैं। पहले तो मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, ड्राइंग दिखाता हूँ इसका, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। देखो, ये जो कॉलम है आप देख रहे हो,
जो ब्लू कलर का किया हुआ कलर वो है कि नया बार वहाँ ग्राउट करना है, और जो रेड कलर का है वो कटिंग करना है, मतलब ये एक स्लैब है उसमें से नीचे कॉलम निकला हुआ है उस कॉलम का रिडक्शन करना है, मतलब उसका साइज छोटा करना है। तो कुछ बार कटेंगे, कुछ उसमें इंसर्ट करने हैं नए बार, तो उनको प्रॉपर वे से हम कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो ये जो कॉलम था वो 900 बाई 900 का कॉलम था, इसका साइज़ हो जाएगा 900 बाई 530 और इधर 350। अगर आप मैं इसकी आप एलिवेशन दिखाऊं तो कैसा है, देखो सेक्शन में दिखाया हुआ है कि ये सेकंड फ्लोर स्लैब है, नीचे से देखो 900 का बीम आ रहा है 900 बाई 900 का, ऊपर से उसका साइज़ छोटा हो रहा है। तो इसको करने के लिए उसमें नए बार इंसर्ट करना है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का कॉलम था और ए ऊपर हो जा रहा है एल शेप का, तो उसमें हमें नए बार इंसर्ट करने हैं और कटिंग करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो 230 mm ग्राउट करना है मतलब नीचे, उसको प्रॉपर वे से केमिकल एंकरिंग करनी है। केमिकल एंकरिंग के लिए मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल यूज़ करना है, और प्रॉपर वे से उसको जो इंसर्ट बार होगा उसमें एल करके आपको न्यू बार वेल्ड करना है, उसको कास्ट कर देना है। मैं बताता हूँ आपको, अभी आप देखो सामने आप देख रहे हो हमारे हाथ में जो है फिशर गन है, ये मतलब फिशर केमिकल यूज़ करना है। इसमें दो टाइप के आते हैं, मतलब मेनली जो काफ़ी टाइप है इसके HB और SB, और 585 इसकी स्ट्रेंथ है। वो आपको मैं बोलता हूँ कि आपको SB यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑल कंक्रीट में चलता है, और HB हमारा रिपेयर वर्क में ज़्यादा यूज़ होता है। तो पहले 230 आपको जहाँ भी सरिया ग्राउट करना है वहाँ 230 आपको होल कर देना है। उसके बाद वो जो डाया का आपको स्टील वहाँ आना चाहिए उससे एक डाया बड़ा स्टील वहाँ पे आपको ग्राउट कर देना है। सामने आप देख रहे हो पूरा प्रोसेस, देखो आपको समझ आएगा। और मैं कहूँगा जैसे कोई पुराने घर कंस्ट्रक्शन किया होता है गांव में, जहाँ अभी यहाँ पे प्रॉपर वे से ये पता नहीं है, तो वहाँ आप इस प्रोसेस को अपना सकते हो, ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सरिया ग्राउट करने का रहेगा तो प्रॉपर वे है, इससे आप इस पर जा सकते हो। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा था फ्रेशर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जब भी आप ग्राउटिंग करवाओ मतलब केमिकल एंकरिंग करवाओ, तो आप प्रॉपर वे से जितना इंसर्ट कहा है कि 230 आपको इंसर्ट करना है उतना करना है होल। उसके बाद उसको प्रॉपर वे से उसकी सफाई होनी चाहिए, उसके बाद ये केमिकल करना है। और इसको थोड़े देर तक मतलब बाहर जो आपने इंसर्ट किए होंगे उसको सुपरविजन में रखना है, कोई हिला विला ना दे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोसेस आप देखो कि कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं। गन तब तो थोड़ा देख लेने का, चलो मैं आ जाएगा। और ये बांध रहे मगर अभी स्टार्टर में आ जाएगा ना, ये कब आ जाएगा? चलो बांध दो। तो गाइस आपने देखा कि इसका प्रोसेस कैसे रहता है। तो जो हमने कॉलम किया वो पहले कॉलम ऐसा था, उसका शेप चेंज करके वो एल शेप कॉलम हो गया, उसका जो कटिंग करके जब नेक्स्ट फ्लोर पे वो आया, और सामने आप देख रहे हो नेक्स्ट फ्लोर में उसका शेप ऐसे हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उसका अप्लाई करूँगा। और आपको यही टॉपिक हमारी वेबसाइट civilsidevisit.com पे भी मिल जाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज एक साइड विजिट है हमारी, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो बीम रहता है उसका परफेक्ट बांधने का तरीका क्या है, क्या चेक करने आप बीम जब बांध रहे हैं, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि जब भी कोई भी काम स्टार्ट होगा तो पहले देखो बीम वर्क होगा, और इसको बेस्ट बांधने का तरीका क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। मैंने देखा है
साइट पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जब जब फ्रेशर जाते हैं तो उनको वो चीज़ें भी नहीं पता होती हैं, तो वही मैं आज आपको क्लियर करूंगा कि क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और फिर एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है। तो मैं कोई कम से कम 4-5 चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो मैं आज आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक जो बेसिक चीज़ है कि जो हमारा मेन बीम रहता है और सेकेंडरी बीम। देखो क्या है, सामने आप बीम देख रहे हो, लंबे जो कंटिन्यूस बीम, लंबा सा बीम है एक बड़ा साइज़ का, वो है हमारा मेन बीम। और जो हमारा सेकेंडरी बीम होगा वो हमेशा रेस्ट करेगा मेन बीम पे, ये हमेशा ध्यान देना है। ये एक मैं काफ़ी साइड्स पे देखा है ये चीज़ें कि क्या मिस्टेक ही होती है कि जो हमारा सेकेंडरी बीम पे मेन बीम डाल लिया होता है कि वो रेस्ट प्रॉपर वे से नहीं करता है। और इसका एक थंब रूल समझ लो, जहाँ छोटा मतलब स्पान होगा वहाँ आपका मेन बीम रहेगा, मतलब ये मेन बीम आएगा उस पे हमारा सेकेंडरी बीम रेस्ट करेगा। जैसे देखो ये छोटा सा है, ये हमारा सेकेंडरी बीम है और जो सामने बड़ा बीम देख रहे हो वो मेन बीम है और ये हमारा रेस्ट उसी पे करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप चेक करवाओ। तो ये हो गया मेन चीज़। दूसरी चीज़ एक ध्यान देनी है आपको, जब भी आप काम करवाओ मतलब इस वे से आपको करवाना है कि क्योंकि ये जो बीम है, सबसे पहले क्या होता है कोई भी स्लैब वर्क होता है तो सबसे पहले बीम बांधे जाते हैं, उसके बाद उसको डाउन करके फिर स्लैब की जाती है। तो बीम परफेक्ट वे से बंधवाने की डाउन करते समय कोई उसमें दिक्कत नहीं आए, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जैसे मैं आपको सामने एग्जाम्पल देता हूँ मेन बीम की, तो देखो वो ये सामने आप देख रहे हो हमारा स्पैन है, दो कॉलम है उसके बीच का स्पैन है, तो वो हमारा मेन बीम हो गया और ये सामने जो बीम है ये उस पर रेस्ट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये मतलब बेसिक चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि आप डिग्री के दौरान भी ये चीज़ पढ़ोगे लेकिन साइड पे जाके थोड़ा पजल हो सकते हो, तो इसीलिए मैं ये आपको बताना ज़रूरी समझा। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, जब भी देखो मैंने जैसे बताया पहले बीम होता है तो बीम को डाउन किया जाता है, तो कवर ब्लॉक पहले ही नीचे प्रोवाइड कर देने हैं, कि ये भी गलती की जाती है काफ़ी टाइम कि कवर ब्लॉक प्रोवाइड नहीं किया जाता है और फिर बाद में दिक्कत होती है कवर ब्लॉक डालने में, और डाले भी नहीं जाते कई एक साइड पे। लास्ट हम जब विजिट के लिए गए थे वहाँ यही गलती की गई थी, लेकिन वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो जैसे वैसे प्रोवाइड करके कवर प्रोवाइड किया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, पहले ही आपको कवर प्रोवाइड करना है और स्टीरअप उस हिसाब से मतलब सेट करना है कि ऊपर स्लैब का जब सरिया आएगा 10 mm या 8 mm का, तो वो भी कवर में डिडक्ट होना चाहिए कवर के साथ, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तीसरी चीज़ जो देनी है, जो लैप है, एक तो लैप लेंथ जो मेंशन की होगी कोड में या ड्राइंग में जो आपको दिया है 50D, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरे चीज़ क्या करना है, LY3 पे आपका लैप प्रोवाइड होना चाहिए बीम का, अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हो तो स्लैब काफ़ी डिज़ाइन पे इफेक्ट पड़ सकता है, स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस होते हैं। और जो भी आपको लैब प्रोवाइड करना है वो LY3 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। इस पर मेरी वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखो। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है मेन चीज़, जो आपको स्टीरअप की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी होती है। मैं ड्राइंग दिखाता हूँ आपको, लेकिन देखो क्या होता है, जहाँ भी LY3 या जो मेंशन किया होगा ड्राइंग में वहाँ पे स्पेसिंग कम रहती है, जहाँ मतलब जंक्शन होते हैं, जैसे कॉलम स्टार्ट होगा वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे कम स्पेसिंग होगी फिर ज़्यादा होगी। ये चीज़ मैं आपको अच्छे से आपके जो ड्राइंग है उसमें समझाता हूँ। सामने आप देख रहे हो हमारा वही बीम जो मैंने आपको साइड पर दिखाया उसकी ड्राइंग है, ठीक है। तो देख रहे हो आप इसमें क्या दिया है, नीचे दिखा हुआ है 8 डाया का स्टीरअप, जहाँ मेरी फिंगर है, 8 डाया का स्टीरअप, 90 का सेंटर, बीच में 8 डाया का स्टीरअप, 135 का सेंटर, और साइड पे 8 डाया का 90 का सेंटर। मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ हमारा जंक्शन होगा वहाँ वहाँ हमारा कितना सेंटर होगा, कम सेंटर होगा और बीच में हमारा ज़्यादा हो जाता है। ये क्यों होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होती है, सपोर्ट पर, और बीच में कम, और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होती है, सेंटर पे। तो क्या किया, इसलिए बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया। और जब आप साइड पे चेक करो तो ये ड्राइंग पे सब मेंशन किया रहता है। इस पे वीडियो में लाने वाला हूँ, 3-4 वीडियो आएंगी कि कैसे आपको बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। देखो 600 यहाँ से छोड़ेंगे, 600 वहाँ से, तो फिर हमारा बॉटम एक्स्ट्रा आएगा। ये चीज़ें हैं माइनर सी। तो आज मेनली बेसिकली 4 चीज़ें मैं आपको बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल परसों फिर इस पे वीडियो आएगी, आप देखते रहो। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। गाइस आज 4th पार्ट लेके आया हूँ हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिक का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट देखना, काफ़ी नॉलेज आपको इसमें गेन होगा, गारंटी है। तो आज का जो है इसमें मैं स्टील डिटेल बताऊंगा कि जो आपके नीचे आप देख रहे हो मैश देख रहे हो या फुटिंग की जाली बोल लो, उसमें कितने स्टील का डाया यूज़ करना है और कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, और जो कॉलम का बार, वर्टिकल बार है,
उसका हमें कितना डाया रखना है, रिंग की स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि हमें फिलिंग करते हैं जो सैंड, क्योंकि हमने जो खड्डा खोदा है इसको फिलिंग करना है, इसमें कौन सी सैंड यूज़ करनी है, वो सब मैं आज आपको बेसिक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ फुटिंग जाली से। जो हमें जाली बुननी है, मतलब जो कॉलम का बेस बनेगा, फुटिंग का बनेगा, वो हमेशा आपको 10 और 8 डाया का यूज़ करना है, ठीक है। जो मेन बार आपका रहेगा वो 10 का, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो 8 डाया का यूज़ करना है। और उसकी मतलब भराई कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपको उसकी भराई होनी चाहिए 150 mm, मिनिमम उसकी भराई होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो उसको ट्रेपेजोइडल बनाना है। गाँव वगैरह में ट्रेपेजोइडल नहीं बना पाओगे, मैं दिखाता हूँ कैसी होती है ट्रेपेजोइडल, लेकिन फिर भी आपको उसकी भराई 150 से 250 तक उसकी भराई रखनी है, ये याद रखना। अगर पॉसिबल हो तो दोनों तरफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 10 डाई का प्रोवाइड करना है, और वो 150 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करना है। अगर आपका घर मतलब 1000 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट का है, तो जो वर्टिकल का डाया रहेगा, जो वर्टिकल बार कॉलम का, वो आपको जो 4 कॉर्नर होंगे, मतलब आप कॉलम का साइज़ प्रोवाइड कर सकते हो 300 बाई 230 का, हर 4.5 मीटर पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, और जहाँ नेसेसरी लोकेशन होगी वहाँ भी आपको कॉलम प्रोवाइड करना है। तो आपका जो डाया रहेगा वर्टिकल बार का, चारों कोनों पे 16 का डाया होना चाहिए, और बीच में 2 बार हमारे 12 डाया के, मतलब टोटल 6 बार उसमें होना चाहिए, अगर 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का घर है और वो डुप्लेक्स तक ही जाने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, जो स्टीरोप आपने प्रोवाइड किया रिंग बोल लो, 8 डाया का आपका रिंग होना चाहिए, और उसकी 150 ही स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है। और गांव में बहुत बड़ी मिस्टेक क्या की जाती है, जो स्टीरोप होता है, रिंग होता है, उसकी स्पेसिंग 200 से 300 तक दी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, स्पेसिंग प्रॉपर बराबर से उसको स्पेसिंग करना है। अगर पॉसिबल हो जहाँ से कॉलम स्टार्ट होता है वहाँ से 1 मीटर तक या 3 फुट तक बोल लो आपको 100 का सेंटर देना है, फिर बीच में 150, उसके बाद फिर 1 फुट अपना 100 का सेंटर, लेकिन पॉसिबल हो तभी, नहीं तो आप 150 का सेंटर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने बताया था आइसोलेटेड फुटिंग या ट्रेपेजोइडल फुटिंग, देखो ट्रेपेजोइडल फुटिंग ऐसी होगी, पॉसिबल हो तो ऐसी ही फुटिंग आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो अच्छी एंकरेज भी रहेगी और लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करती है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है, जब भी आप मतलब फुटिंग बनाओ, नीचे जो कवर ब्लॉक रहता है आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, कवर ब्लॉक आपका 75 mm का कवर ब्लॉक फुटिंग में होना ही होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी। मिस्टेक की जाती है गांव में कि कवर ब्लॉक प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, और नीचे पानी से लग के जो सरिया होता है वो ख़राब हो जाता है, और फाउंडेशन बैठने के डर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया हमारा स्टील डिटेल का। दूसरा मैंने बात की थी कि मैं फिलिंग का आपको बताऊंगा, तो फिलिंग में हमेशा आपको या तो सैंड पॉसिबल हो कि सैंड अवेलेबल है वो है वो करनी है, या तो मोरम आपको उसमें फिलिंग करनी है, ना कि जो आपने खुदाई में मिट्टी खोदी हुई है वो मिट्टी कभी भी उसमें डालनी नहीं है। और जब भी आप फिलिंग करो उसको फिलिंग लेयर में करनी है, कंपैक्शन करनी है, और साथ साथ में उसकी फ्लडिंग हो, मतलब पानी उसको मारते जाना है हर लेयर में, और उसकी प्रॉपर वे से कम्पेक्शन करनी है, मतलब एक साथ से मिट्टी हमेशा कभी भी खड्डे में नहीं भरनी है, ये ध्यान देना, क्योंकि अभी एक साथ में भर दोगे इन फ्यूचर कभी उसमें पानी गया तो वो बैठेगा और दीवार बैठने का डर रहता है। आपने घर में क्रैक्स देखे होंगे, वो एक कारण ये भी होता है कि बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है या प्लिंथ बीम प्रोवाइड किया होता है वो बैठ गया होता है, इसकी वजह से भी क्रैक आते हैं। तो हमेशा आपको लेयर में भरना है और प्रॉपर से इसकी कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन अगर अवेलेबल नहीं है वहाँ तो फ्लडिंग कर लो, मतलब पानी छोड़ दो पूरा खुला उसमें, तो उससे भी अच्छे से हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा 4th पार्ट। अगर कल हमारा वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगा, क्योंकि हमारा कल का ATT पे है और प्लिंथ बीम पे है। थैंक यू गाइस। Because we dismantled it because of revision. Hydra वाला सोच रहा है हम ऐसे निकाल रहे हैं, बोल रहा है लाइंस वाला आ रहा है, रुको रुको आओ बोलो आइए करा मतलब ये नहीं क्या आ रही है क्या हूं बस आठवां ना तेरे टेंशन ना लियो अरे अली क्यों है भाई अली क्यों तो कर दिया अरे अली क्यों है अपना आओ के ऊपर आरिया करो भाई हाँ।
दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। गाइस आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। हाउस कंस्ट्रक्शन की जो मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जो बता रहा हूँ मैं, आज उसी पे हमारा चौथा वीडियो है जिसमें मैं प्लिंथ बीम के बारे में बताऊंगा। काफ़ी क्वेश्चन है इसके बारे में, काफ़ी चीज़ें इसकी बताऊंगा। कितने का स्टील आपको प्रोवाइड करना है, कितने कौन से ग्रेड का कंक्रीट प्रोवाइड करना है प्लिंथ बीम में, क्यों प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, और एक क्वेश्चन आता है कि नीचे जो ब्रिक वर्क आपने देखा होगा प्लिंथ बीम के नीचे वो प्रोवाइड किया जाता है, वो करना है नहीं करना है वो बताऊंगा। प्लिंथ बीम की हाइट कितनी रखनी है और जो भी बेसिक चीज़ें हैं प्लिंथ बीम के बारे में, क्यों प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, सब मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। फोर्थ पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़े दिनों बाद गैप आ गया थोड़ा वीडियोस में, जो हमारे स्टेप बाय स्टेप बेसिक चल रहा था हमारा हाउस की कंस्ट्रक्शन का, तो आज चौथा पार्ट है और अभी मैं जारी रखूंगा, इसकी कंटिन्यूटी रहेगी हमारी वीडियोस में। कुछ जो अभी आपको पता होगा क्या चल रहा है ग्लोबली, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी इसमें थोड़ा मैं टाइम बिजी था, तो अभी आज से मेरी कंटिन्यूटी रहेगी वीडियोस में। तो स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो प्लिंथ बीम के ऊपर। देखो सबसे पहले क्या है प्लिंथ बीम, हम प्रोवाइड क्यों करते हैं। प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का एक ही फंडा है, क्या होता है, जो भी अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है या कॉलम का है, तो एक तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड, जो भी होगा टोटल मतलब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्लिंथ बीम प्रोवाइड करते हैं, एक ये फंडा है प्लिंथ बीम प्रोवाइड करने का। दूसरा ये है, आपने घर पर देखा होगा दरारें पड़ गई होती हैं, मतलब लाइंस पड़ गई होती हैं, ऐसे लगा लो कि क्रैक्स पड़ गए होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, सेटलमेंट की वजह से। तो जो प्लिंथ बीम है वो प्रोवाइड करने से सेटलमेंट भी कम होती है घर की, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना प्लिंथ बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया बेसिक चीज़ें, मैं आगे इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा थियोरेटिकली। अभी देखो दूसरी चीज़ जो आपको सामने अभी देख रहा होगा, प्लिंथ बीम की हाइट भी दिख रही होगी और कंक्रीट यूज़ की है, तो कंक्रीट का जो प्लिंथ बीम में ग्रेड रखना है आपको वो M20 से कम ग्रेड नहीं होना चाहिए प्लिंथ बीम का, हमेशा याद रखना M20 ग्रेड आपको प्लिंथ बीम में यूज़ करना है। और ग्रेड से अभी मतलब जो अभी सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है, मतलब टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो M20 मतलब आपका जो रेशियो होनी चाहिए उसकी कंक्रीट की, वो आपकी एक बोरी अगर सीमेंट डालोगे उसमें 1.5 बोरी आपको सैंड डालनी है और 3 बोरी उसमें कब्ची या एग्रीगेट डालना है, ये हो गया कंक्रीट का जो आपको ग्रेड यूज करना है, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी मतलब प्लिंथ बीम की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो डिपेंड होती है आपके वहां के पानी के जरिए, मतलब देखो जो आपका ग्राउंड लेवल है नेचुरल ग्राउंड लेवल वो ऊंचा है नीचा है इस पर भी डिपेंड होता है, मैं आगे इसको क्लियर करता हूँ थ्योरेटिकल में, और डिपेंड होता है आपको मतलब कितना प्रोवाइड करना है, लेकिन मिनिमम आपको जो प्लिंथ बीम की हाइट प्रोवाइड करनी है वो 400 mm प्रोवाइड करनी है, या 1.5 फुट आपको बोल लो उसको, तो ये आपको मिनिमम प्रोवाइड करनी है। ये हो गया हमारा कंक्रीट का भी हो गया कि हमें जो कौन सा मिनिमम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है, दूसरा हो गया हमें हाइट कितनी प्रोवाइड करनी है, तीसरी बात मैं करता हूँ आपको जो स्टील प्रोवाइड करना है उसमें उसका कितना डाया होना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो ये डिपेंड करता है हमारी बिल्डिंग के साइज में, मतलब किस हाई राइज बिल्डिंग है या ड्यूप्लेक्स है या सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ये उस पर प्रोवाइड मतलब डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपको क्या करना है, जो आपका होगा मतलब जो टॉप बार होगा आपका वो आपको करना है 12 डाया का प्रोवाइड, ठीक है, और जो बॉटम बार होगा वो आप 16 डाया का प्रोवाइड करना है मिनिमम, मतलब ये हो गया हमारा प्लिंथ बीम के स्टील का डिटेल भी। अभी मैं इसको अच्छे से आपको क्लियर करता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट से, आपने देख लिया साइड पे प्लिंथ बीम है क्या, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं हम, अभी जब मैं थ्योरेटिकल पार्ट करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बताए थे वो क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो अभी जो मैं क्वेश्चन बताया था आपको कि ब्रिक वर्क क्यों प्रोवाइड करते हैं नीचे, प्रोवाइड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मैं आपको क्लियर यहाँ करूंगा। अभी देखा जाए तो ये हमारी हो गई फुटिंग, ठीक है, कोई मतलब अगर प्लान ले लो आप, ये है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो ये मैं सेक्शन ये दिखा रहा हूं, मतलब ये 2 कॉलम आ गए ये, और बीच में नीचे ब्रिक वर्क की है उसके ऊपर प्लिंथ बीम की है। देखो ये आपने कई जगह देखा होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमें ये ब्रिक वर्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो चीज मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो ये ब्रिक वर्क किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये किया जाता है हमारे प्लिंथ बीम की हाइट को बढ़ाने के लिए, और हम हाइट बढ़ाते क्यों है, कई जगह पे क्या होता है, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल हो गया और जो बाकी का एरिया है
वो इससे ऊंचा है, और पानी जब भी बारिश पड़ेगी या कोई भी पानी होगा वो आपके घर में घुसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ा देते हैं। तो उसके नीचे प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ाने के लिए हम प्लिंथ बीम तो इतना बड़ा नहीं कर सकते, मतलब उसकी हाइट इतनी ज्यादा करेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, क्योंकि कंक्रीट वर्क ज्यादा महंगा है एज कम्पेयर टू ब्रिक वर्क। तो क्या होता है, हम नीचे ब्रिक वर्क कर देते हैं, उसके ऊपर करते हैं हम प्लिंथ बीम, तो इससे हमारा हो जाता है, अगर बाई चांस देखो हमारा इधर तक पानी का लेवल यहां है और हम उससे कम से कम एक फुट तो ऊपर रखना ही रखना है प्लिंथ बीम को, तो उसको क्या करते हैं हम नीचे कर देते हैं ब्रिक वर्क, उसके ऊपर करते हैं प्लिंथ बीम, तो इससे क्या होगा हमारा लेवल ऊंचा हो जाएगा और इसके ऊपर हमारा ब्रिक वर्क हो जाएगा और अंदर पानी घुसने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। ये मेनली किया जाता है इसलिए ब्रिक वर्क। और अगर आप प्लिंथ बीम ब्रिक वर्क नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या करो मतलब लगा लो एक टाइप का प्लम कंक्रीट ही हो गया, जब भी आप कंक्रीट करो अंदर उसके प्लम्स जो अच्छे क्वालिटी का स्टोन होता है वो भर के उसके साथ कंक्रीटिंग कर दो, उसके ऊपर अच्छा मतलब एक फुट का आप प्लिंथ बीम का कंक्रीट कर दो तो वो बेटर है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट चीज। अभी जैसे मैंने उसकी बात की थी स्टील की कि हमें कौन सा डायगा यूज करना है, तो अगर मैं सेक्शन दिखाऊं आपको, ये प्लिंथ बीम की सेक्शन हो गई हमारी, ये जो दो आपने ऊपर बार प्रोवाइड करने हैं ये 12 डाया का करने हैं प्रोवाइड, नीचे आपको प्रोवाइड करना है 16 डाया का। तो ये आपको स्टील प्रोवाइड करना है प्लिंथ बीम में, और अगर मैं प्रेफर करूं कौन से कंपनी का आपको यूज करना है इसमें, तो टाटा टिस्कॉन करो या कामधेनु स्टील, बाकी जो अवेलेबल है वो भी आप उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ सकते हो और उसके बाद उसको प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसे मैंने ग्रेड की बात की थी, M20 ग्रेड आपको यूज करना है जिसकी रेशियो रहती है 1:1.5:3, ये हो गया सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ये हो गया प्लिंथ बीम का हमारा फंक्शन। और देखो प्लिंथ बीम क्या करता है, देखो अगर ये मैं एक प्लान बनाऊं, यहां प्लान देखो आप, ये प्लिंथ बीम हो गया हमारा चारों तरफ, ठीक है प्लिंथ बीम आ गया। प्लिंथ बीम क्या करता है, अगर नीचे बाय चांस सॉइल में सेटलमेंट भी होगी, सेटलमेंट इन द सेंस अगर मिट्टी में कोई कहीं से पानी घुस गया, ठीक है पानी घुस गया तो नीचे मिट्टी इरोड होके मतलब एक होल सा बन जाएगा, और अगर आपने प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किया होगा तो उस जगह की दीवार थोड़ी नीचे डाउन बैठेगी और क्या होगा आपकी दीवार में ऐसा क्रैक आपको दिखेगा, मतलब ऐसा क्रैक पूरी ब्रिक वर्क हुई है आपने देखा होगा आपके घर में ऐसा क्रैक दिखेगा या नीचे से छोटा सा क्रैक दिखेगा। ये किसके कारण हुआ होता है, ये हुआ होता है मतलब अगर आपने प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किया है तो नीचे सेटलमेंट होगी तो दीवार में क्रैक आएगा। अगर आपने प्लिंथ बीम की मतलब डेप्थ प्रॉपर वे से नहीं दी है या उसमें स्टील प्रॉपर वे से नहीं डाला है तब भी आपको दीवारों में क्रैक्स दिखेगा। तो बहुत ज्यादा अहमियत होती है प्लिंथ बीम की, तो उसी पे आज का मेरा वीडियो था कि आपको प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना ही करना है जहां भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करो, और उसकी डेप्थ मतलब 400 mm आपको रखनी है या 1.5 फुट ले लो आपको इतनी उसकी डेप्थ रखनी है। यही कंक्रीट यूज करना है जो मैं बोल रहा हूं, मिनिमम ग्रेड ज्यादा कर सकते हो आप, कौन सा स्टील यूज करना है, कितना डाया का करना है, ये चीज और जो भी बेसिक चीजें थी वो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दी है। और इसके रिलेटेड अगर आपको और ज्यादा जानना है, प्लेलिस्ट काफी प्लेलिस्ट है इस पे हाउस कंस्ट्रक्शन बेसिक पे, आप जाके पढ़ सकते हो प्लिंथ बीम के बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मतलब प्लिंथ बीम हम क्यों प्रोवाइड करते हैं और इसके बारे में सब चीजें। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जितना सेफ रह सको, कोरोना वायरस से सेफ रहो, घर पे बैठ के काम करो। तो गाइस थैंक यू। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक साइट इंजीनियर है, जो अभी स्टूडेंट है या फ्रेशर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब आप साइट पे जाओगे एग्जीक्यूशन में काम करवाओगे तो उसमें ये चीज़ आपके काम आएगी। जब स्टील वर्क किया जाता है आपको जब चेकिंग करना है, अगर क्लाइंट फील्ड में भी जाते हो या ऐसे साइट इंजीनियर रहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक मिस्टेक है, उसको क्या मिस्टेक है और उसको सही क्या करना है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो मिस्टेक है वो स्टीरअप में है। तो स्टीरअप क्या हुआ हमारा,
सामने आप देख रहे हो मेरे फिंगर जिस पे है, ये हमारे टोटल स्टीरअप, इन्हें रिंग बोलो स्टीरो बोलो, ये बीम में आरसीसी बीम होगा उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्यों हम स्टीरो प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले सबसे पहले बताता हूँ कि गलती क्या हुई है। सामने आप देख रहे हो ये हुक दिख रही होगी आपको, मतलब स्टीरियम में हुक की हुई है ये सामने जिसमें फिंगर है मेरी। तो क्या होता है, हुक आपको टोटल्स हर जगह प्रोवाइड करनी है, मतलब टोटल इन द सेंस कि जैसे ये हुक है, मतलब ये सिक्स लेग रिंग है हमारा, सिक्स लेग रिंग में हमारा हुक रहेगा तीन, तो बार कितने, एक दो तीन चार पाँच बार हैं। तो हुक जो आनी चाहिए वो हर तरफ हुक आपकी अल्टरनेट होनी चाहिए, ये सबसे पहली आपको चीज़ देखनी है। ये काफ़ी ज़्यादा साइड पे मिस्टेक की जाती है कि हुक क्या होता है, जितने बार होते हैं मतलब एक साइड से हुक लेते जाते हैं, लेकिन इसमें भी सिक्स लेग रिंग में हो, फोर लेग रिंग हो, टू लेग रिंग हो, हर एक में आपको हुक अल्टरनेट करती जानी है, मतलब एक बार एक स्टीरअप बार में आएगी, दूसरी बार दूसरे बार में आएगी, तीसरी बार तीसरे बार में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर कि प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की जा रही है कि नहीं। एक बार बीम बंद गया तो उसका कोई मतलब खोलने का इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाएगा बांधने में, अगर उसको खोलना पड़े तो वो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो जब भी बीम बंधवाओ आपको ये चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। तो साइड पे इधर क्या गलती हुई है, सामने आप देख रहे हो यहाँ इस बीम में तो प्रॉपर वे से हुक प्रोवाइड की गई है, मैं एक बीम दिखाता हूँ उसमें कैसे हुक प्रोवाइड की है, क्या गलती है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि हुक का मेन मकसद क्या है बीम में प्रोवाइड करने का। अभी अगर आप इस बीम में देखें क्या हुआ है, देखो जो स्टीरअप है ये फोर लेग रिंग है इसमें, लेकिन जो स्टीरअप है वो उसका हुक कहाँ कहाँ आया, देखो जो सेंटर का बार है उसमें हुक नहीं है, उसका बेंट है। तो ये मिस्टेक क्या हुई है, जो हुक है वो सब एक साइड प्रोवाइड कर दिए हैं, जो बाहर का बार है लॉन्गिट्यूडनल बार उसमें हुक सब प्रोवाइड कर दिया है, ये इसमें मिस्टेक है। इसमें क्या था, ये फोर लेग रिंग था, इसको आप अल्टरनेट कर सकते थे कि जो हुक रहेगा वो हर एक बार पे आए। इससे क्या होगा, देखो आपने एक और गलती यहाँ पे देखी देख रहे होंगे कि जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है उसमें भी स्पेसिंग ज़्यादा कम ज़्यादा है। देखो बीच वाले जो जो दो हैं उनमें हमारा ज़्यादा है स्पेसिंग, और दो साइड वाले हैं उसमें कम है, ये भी गलती है। ये चीज़ें आपको देखनी होती है, वो पूरा स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड होता है हमारा कि प्रॉपर स्पेसिंग हम बार के जो बार हैं स्टीरियम में उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो डिज़ाइन किया रहता है वो स्पेसिंग के बेसिस पे भी डिज़ाइन होता है, स्टील के बेसिस पे, तो ये सब सब चीज़ें मायने रखती हैं डिज़ाइन में। तो अभी मैं बात करता हूँ कि हम स्टीरअप प्रोवाइड क्यों करते हैं, ठीक है। तो वो फंडा क्या है स्टीरअप प्रोवाइड करने का, स्टीरअप हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, पहले तो जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार रहता है, मेन बार रहता है जो सामने आप देख रहे हो, इनको पकड़ के रखे, ठीक है, ये एक फंड है मतलब मेनली। दूसरा है कि क्या होता है जब शेयर फेलियर होता है, तो भी आपने देखा होगा कि क्रैक, मतलब ऐसे बोलोगे इंक्लाइंड क्रैक पड़ेगा, इंक्लाइंड फेल होगा, तो उसको बचने के लिए, उसको बचाने के लिए हम स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, ये दो दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ क्या है हमारी, अगर आप इमेजिनेशन इमेजिन करो, एक हमारा बीम है सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसके बीच में लोड पड़ेगा तो हमारा जो नीचे वाला जोन होगा वो टेंसाइल, वो उसमें टेंशन होगा, ऊपर वाले में हमारा कंप्रेशन होगा, तो रिंग क्या करेगा, स्टीरअप क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, जब उसमें ऊपर से लोड पड़ेगा तो चीज़ खींचेगी। अगर आप एग्जांपल दो रबर है, रबर को बीच में से दबाओगे नीचे से वो खींचेगा, ऊपर से दबेगा, तो वो काम भी स्टीरअप करता है उस चीज़ को पकड़ने में, मतलब एक एंकरेज प्रोवाइड करता है स्टीरअप को स्लिपेज से, मतलब स्लिप ना हो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार, उसको पकड़ने का काम भी हमारा एक स्टीरअप करता है। और जो हुक में बोल रहा था कि हुक अल्टरनेट क्यों करनी है, हुक का भी यही काम है, हुक क्या करेगी आपका, जब वो ऊपर से लोड पड़ेगा उसको बीच में सेंटर में तो सारा दबाव पड़ेगा स्टील पे, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट होगी, तो उसको हुक क्या होगा, अगर अल्टरनेट किया होगा सबको एंकरेज मिली होगी, सबको पकड़ने का काम वो हुक करेगी, मतलब जब उस पर दबाव पड़ेगा तो हुक खुलेगा, मतलब स्टीरअप खुलेगा, तो वो जो हुक होगी वो पकड़ के रखेगी सब बार्स को। तो यही मेन मकसद था आपको बताने का कि छोटी सी चीज़ है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर पे, मतलब कि जो आपका अगर हुक प्रॉपर वे से प्रोवाइड नहीं किया होगा तो वो हुक का कोई काम उसमें नहीं रहता है। तो गाइस अगर इसमें कोई भी आपको समझने में दिक्कत है या वीडियो में कुछ ऐसा है आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हमारा वीडियो आया था कि स्लैब की कास्टिंग से पहले हमें क्या चेकलिस्ट, क्या क्या चेक करना होता है, क्या क्या सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है।
तो जो आज का वीडियो रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे कि स्लैब की कास्टिंग के दौरान एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चेक करना है और क्या क्या काम करने होते हैं कास्टिंग के दौरान। तो कंप्लीट वीडियो देखना, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सब सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो फुल मैं डिटेल इसमें दूंगा, आपको बताऊंगा कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पोर कार्ड जो रहते हैं, प्री पोर कार्ड रहते हैं, पोस्ट पोर कार्ड जो रहता है, और जो मतलब डिज़ाइन मिक्स है उसका भी थोड़ा आपको मैं प्रीव्यू दे दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पूरी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कंक्रीट आपकी साइट पे पहुंचे, मतलब आप आरएमसी कर रहे हो जहां आप एट साइट पे मतलब वहीं पे कंक्रीट बना रहे हो, तो जो भी कंक्रीट आप बनाओगे वो मतलब 30 मिनट में कंज्यूम होना चाहिए, पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आपको टेम्परेचर चेक करना है कि कंक्रीट का टेम्परेचर क्या है, 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्टेबल 32 डिग्री उतना टेम्परेचर आप अगर होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो चलेगा, अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको उसमें आइस मिक्स करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, स्लम टेस्ट आपको करना है, जैसे आप देख रहे हो सामने। सबसे पहले उसमें जो आप स्लम यूज़ करोगे वो उसको अच्छे से ऑयल आपको लगा लेना है, मतलब वो एकदम से जब कंक्रीट उसमें डालें तो वो निकल आए। बाकी जो स्लम आप यूज़ करोगे स्टैंडर्ड साइज़ का आपको करना है, 300x200x100mm रहता है। इसमें मैं टॉलरेंस आपको बता दूंगा, साथ में प्रोसीजर आपको बता दूंगा। इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, 4 से 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देख चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप फिर से देख सकते हो वो। और इसमें भी मैं आपको बता ही दूंगा टॉलरेंस क्या रखनी है। देखो जो 300mm हमारी हाइट होती है, 200mm हमारा बॉटम होता है, 100mm हमारा टॉप होता है, तो उसमें टॉलरेंस जो 300mm होगा प्लस माइनस अगर 1.5 उसका डाया बढ़ जाता है 1.5mm तो एक्सेप्टेबल है। अगर 100mm की बात करें ऊपर का जो डाया रहेगा, अगर बड़ा 3mm होता है चलेगा, छोटा माइनस 1.5mm चलेगा, 200 का जो रहता है नीचे वाला डाया वो अगर बड़ा हो जाता है 3mm तो चलेगा, कम 1.5mm वो एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको जो जब स्लम टेस्ट करना है उसको 4 लेयर में भरना है, ये हमेशा याद रखना, 4 लेयर में उसको भरना है स्लम को। और जब हर लेयर जो भरोगे आप तो उसमें आपको 25 बार उसको स्ट्रोक करना है, जैसे आप सामने देख रहे हो 25 टाइम उसको स्ट्रोक करना है। और स्ट्रोक करते टाइम जो आप रॉड यूज़ करोगे वो 16mm की रॉड होनी चाहिए और राउंड एज उसका होना चाहिए और 600mm वो लंबी होनी चाहिए, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जब भी ये आप करवाओ। और 4 लेयर में उसको भर के उसको प्रॉपर से जब उसको खोलें, और एक चीज़ ध्यान रखना, सरफेस बिल्कुल लेवल होना चाहिए। ये जो टेस्ट किया जा रहा है साइड पे किया जा रहा है तो थोड़ा सरफेस आप देख रहे हो रफ सरफेस है लेकिन लेवल है, लेकिन जो मैंने पहली वीडियो डाली थी उसमें प्रॉपर पूरा गाइडेंस दिया कैसे हम फर्स्ट लेयर भरेंगे सेकेंड लेयर, वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। ये तो देखो ही देखो, उसके बाद वो वीडियो ज़रूर देखना। जैसे ही हमारी 4 लेयर हो जाती है उसके बाद आपको इसका स्लम कर लेना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ में, वीडियो चल रही है स्लम की। तो जैसे आप स्लम करोगे तो 4 टाइप का स्लम आपको देखने को मिलेगा, ट्रू स्लम, शेयर स्लम और कोलैप्स स्लम और जीरो स्लम। जो सामने स्लम आया इसको आप एक शेयर स्लम बोल सकते हो, और हमें इसमें चाहिए कितना स्लम था, क्योंकि पंप से कंक्रीट किया जा रहा है तो इसमें हमें 120 से लेके 130mm अगर हमारा स्लम आता है तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसमें आपको वाटर रेशो कम करनी पड़ेगी, उसमें आपको सीमेंट की रेशो इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि माल जो कंक्रीट होगा वो सेग्रीगेट हो जाएगा, उसकी वर्केबिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी लेकिन कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट हो जाएगा। तो ये आपको 4 स्लम पता चल गए। इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए कि कैसे हम फुल टेस्ट करते हैं, ट्रू स्लम क्या है, शेयर स्लम क्या है, कोलैप्स स्लम क्या है, जीरो स्लम क्या है, उस पर मैं वीडियो में 3 बार बोल चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियो है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा सीखोगे। इसमें जल्दी जल्दी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आज का वीडियो हमारा चेकलिस्ट है। तीसरी चीज़ ये होगी कि हमारा स्लम टेस्ट कर लेना है। फिर आपको चौथी चीज़ क्या करनी है, जब भी आप कंक्रीट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वाइब्रेटर प्रॉपर से मरवाना है, मतलब इसमें जो वाइब्रेटर यूज़ करोगे उसमें नीडल आती है आपको पता ही है 40mm 60mm उससे 80mm, तो आपको बीम के साइज़ के हिसाब से नीडल यूज़ करनी है। ये नहीं है कि छोटा नीडल आपको यूज़ करना है, अगर आपका बीम का साइज़ बड़ा है और 60mm के आप नीडल यूज़ करते हो वो किसी काम की नहीं, तो प्रॉपर नीडल आपको यूज़ करनी है। एज ए साइट इंजीनियर आपको चेक कर लेना है कि वहाँ 2 वाइब्रेटर होने ही होने चाहिए साइट पर अवेलेबल, और जब कंक्रीटिंग होगा प्रॉपर आपको वाइब्रेटर मरवाते रहना है, ये चीज़ हो गई। फिर आपको जैसे आपका कंक्रीट हो जाता है, मतलब जैसे लेयर डल गई, तो उसके तुरंत 30 मिनट के बाद आपको क्या करना है, 30 या 1 घंटे बाद आपको थोड़ी थोड़ी क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है।
क्यूरिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करते रहोगे, साथ में आपको क्या करना है उसमें आपको गनी बैग्स भी डलवा देने हैं। क्यूरिंग रहेगी, गनी बैग रहेंगे तो श्रिंकेज क्रैक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो श्रिंकेज क्रैक्स आपको स्लैब में देखने को नहीं मिलेंगे अगर आप गनी बैग और जो हमारा पानी मारते रहेंगे। फिर हमारे कंक्रीट के दौरान ही आपको एज ए साइट इंजीनियर एक और काम करवाना है कि जो क्यूब हम फिलअप करते हैं टेस्टिंग के लिए, हमारी जो कंक्रीट की टेस्ट चेक करते हैं हम 7 दिन पे और 28 दिन पे, तो उसके लिए आपको कंक्रीट फिल करवाना है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी की होगी उसके हिसाब से आपको कंक्रीट फिलिंग करवानी, क्यूब फिलिंग करवानी करवानी, जो भी स्टैंडर्ड साइज अगर आप यूज़ कर रहे हो। जैसे सामने हम 150x150 mm का हम क्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 1 से 5 m³ है तो आपको एक सेट आपका क्यूब फिलिंग रहेगा, एक सेट मतलब 6 क्यूब रहेंगे। अगर आपसे आपका 6 से 15 m³ कंक्रीट और है तो आपके 2 सेट मतलब 12 क्यूब फिलअप करने हैं। फिर आपका 16 से 30 m³ अगर कंक्रीट और है तो आपको 3 सेट करने हैं, 3 6 18 क्यूब आपको फिलअप करने हैं। फिर आपका 31 से 50 m³ अगर हमारा कंक्रीट रहता है तो आपको 4 क्यूब उसमें फिल करने हैं, 4 सेट 4 × 6 करेंगे 24 क्यूब हमें फिलअप करने हैं। अगर 51 से अबव होता है जब हमारा कंक्रीट, तो उसमें क्या करना होता है, जैसे हमारे 4 सेट हो गए 50 m³ पे, फिर अगर 100 m³ होगा मतलब हर प्यास 50 m³ पे आपको एक एक सेट बढ़ाते जाना है, मतलब 6 6 क्यूब बढ़ाते जाने हैं। जैसे 100 m³ होगा तो आपको 4 + 1, फिर 150 m³ हो गया 4 + 1 + 1 6 हो गया, फिर 200 m³ हो गया 4 + 1 + 1 + 1 7 सेट हमारे हो जाएंगे, 7 6 हमने मल्टीप्लाई करके उतने क्यूब हमें फिलअप करने हैं, ये आपको ध्यान देना है। अभी मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर भी बता देता हूँ, लेकिन इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने एक बनाई थी जिसमें क्यूब कैसे फिल करने हैं, टेस्ट कैसे करने हैं, रिजल्ट कैसे देखने हैं, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आपको देखनी है, ज़रूर देखनी है इसके बाद। तो इसमें क्या करना है, जो प्रोसीजर रहेगा हमें 3 लेयर में क्यूब भरने होते हैं और हर एक लेयर में आपको 35 स्ट्रोक करना है, और जो रॉड आप इसमें यूज़ करोगे वो 600 mm लंबी 16 mm डाया की रॉड रहेगी और राउंडेड एज आपकी रॉड रहेगी, उससे आपको 35 स्ट्रोक हर लेयर में करते जाना है। तो इसका सेम प्रोसीजर रहेगा, और इसका जैसे हम फिलअप करेंगे कंक्रीट तो उसमें आपको ध्यान देने की चीज़ें कि उसमें कोई वाइब्रेशन वगैरह ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्यूब फिलअप करके इसको क्यूरिंग रख देना है, 7 दिन पे टेस्ट होगा और 28 दिन पे इसका टेस्ट होगा। इस पर मैं वीडियो जैसे मैंने बताया बना चुका हूँ, वो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लो। ये हो गया, फिर अगला आपको चीज़ मैं बताता हूँ। और जब आप फिनिशिंग कर रहे हो, मतलब जैसे साइड पे जैसे जैसे कंक्रीट होते जा रहा है उसकी फिनिशिंग आपको कंटिन्यू करते जानी है, और क्यूरिंग और गनी बैग्स उसमें डालते ही जाने। और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी इसमें मैं क्लियर कर दूं कि ये तो सिंपल चीज़ है, लेकिन उसने पूछा कि 1 m³ में कितने क्यूब हम फिल अप कर सकते हैं, तो वो उसका आंसर था 296 क्यूब। ये मेरे को कमेंट भी आया था, सर 1 m³ में हम कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है 1/वॉल्यूम निकाल लेना है क्यूब, जितने भी साइज़ का आप क्यूब यूज़ कर रहे हो, 150 by 150 by 150 का या 100 by 100 by 100 का, जो भी क्यूब आप यूज़ कर रहे हो, सिलेंड्रिकल कर रहे हो या क्यूबिकल कर रहे हो, तो उसको आपको डिवाइड कर देना है, उससे आपका निकल आ जाएगा कि कितने क्यूब हम 1 m³ में भर सकते हैं। देखो अगली बेसिक चीज़ें तो आपको चेक करनी ही करनी है, जैसे हमारा हो गया शटरिंग का लेवल, जब मतलब कंक्रीट और है तो जो कंक्रीट पड़ेगा जिसमें, तो जहां स्लोप मांगी हुई है, जहां जहां स्लोप देने को कहा है वहां वहां आपको स्लोप देनी है ड्रेन की तरफ। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ड्राइंग के हिसाब से चेक करनी ही करनी है। फिर आपको मैं जैसे कहा था कि मैं आपको पोर कार्ड दिखाऊंगा, जैसे आप सामने देख रहे हो कंक्रीट पोर कार्ड, तो ये कुछ क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें मेंशन है कि आपको जो भी फॉर्म वर्क होगी वो चेक होनी चाहिए, नेल्स जो वायर होगी वो सब निकाल देनी चाहिए। ये चेकलिस्ट प्री चेकलिस्ट है, मतलब मैंने जैसे जो कल वीडियो डाली थी ना, तो इसी पे हमारी वीडियो थी, इसी के हिसाब से हमने मैंने कल सब बताया था कि आपको क्या क्या चेक कर रहे हैं जो आपका पोर कार्ड होगा, तो उसमें भी ये सब चीज़ लिखी होती हैं। तो ये अगर आपको पोर कार्ड चाहिए होगा आप कमेंट करना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा एक, क्योंकि ये जो पोर कार्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, इंटरव्यू में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है जब आप साइट पे काम करवाओगे, तो इन्हीं के हिसाब से आपको करवाना होता है। जैसे ये दूसरा पोर कार्ड है, इसमें सब लिखा है कि आपको सब लैब चेक कर लेना है, कपलर जहाँ आता है, जहाँ कवर आता है, जहाँ बार की स्पेसिंग अगर 15 से कम है, 15 mm ज़्यादा है तो वो चेक कर लेनी है, कवर अगर 10 mm छोटा बड़ा है वो आपको चेक कर लेना है, उसको टॉलरेंस लिखी है। इस पोर कार्ड में सब मैंशन रहता है कि जो जो कल मैंने 15 चीज़ें आपको बताई वो आपको इस पोर कार्ड में भी मिल जाएंगी, तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा, अपने ग्रुप में ये सब पोर कार्ड डाल दूंगा। ITP फॉर्मेट्स जो रहते हैं, जो क्वालिटी इंश्योरेंस के होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के होते हैं, तो वो सब ITPs में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यूज़ में, और यही आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, मैंने डाले हुए हैं सब ITPs, उसमें मैंने इंटरव्यू क्वेश्चन एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन भी इनको पुट अप कर दिया, वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। बाकी जो कमेंट करेगा कि सर हमें चाहिए तो उसे हम ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक सामने आप देख रहे हो, ये प्री पोर इंस्पेक्शन कंक्रीट स्ट्रक्चर का है, तो इसमें लिखा
है कि आपने शटरिंग ऑयल लगाया है नहीं लगाया है, आपने स्टेजिंग चेक की है नहीं की है, आपने सर्विंग की सर्वे की जो सर्वे किया है पूरा की प्रॉपर, जहां आपकी इलेक्ट्रिक पाइप्स आती हैं, आपकी कंड्यूक्ट आती हैं, जो इलेक्ट्रिकल आइटम आती हैं, सब चीज़ें इसमें मेंशन रहती हैं। इसके हिसाब से आपको पूरी शटरिंग वगैरह चेकिंग करनी है, ये प्री चेक लिस्ट है। अभी हम एक आपको, मैं जैसे बोल रहा था कि मैं आपको कंक्रीट का पोर कार्ड दिखाऊंगा, मतलब एक जो मिक्स डिज़ाइन है उसका रिव्यू करवाऊंगा, तो इस टाइप का हमारा रहता है। इसमें देखो सब मेंशन है, सैंड कितनी लगेगी, हमारा सीमेंट कितना रहेगा, वाटर कितना रहेगा। तो ये अगर आप देखोगे अच्छे से वीडियो पॉज करके तो और आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि M30 कंक्रीट है हमारा, तो इसमें सब मेंशन है कि कितना कितना कैसे डाला जाता है। तो ये आज का वीडियो था कि हम कंक्रीटिंग के दौरान क्या क्या चेक लिस्ट हमें करने होता है, क्या क्या चेक करना होता है। तो प्री चेक लिस्ट अगर आपको देखनी है कि इस कंक्रीट होने से पहले क्या चेक करना है, तो उस पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। बाकी स्लम टेस्ट का, कंक्रीट क्यूब का, वो दो इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर आपको देखनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज की वीडियो हमारे चैनल civilsidevisit.com पे ही आपको मिलेंगी। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको जॉब के लिंक न्यू चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, वो भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू गाइस। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। आज का वीडियो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब हमारी स्लैब जो होती है वो कास्ट हो जाती है, उस पर हमने कल वीडियो लाई थी जिसमें मैंने सब डिटेल दी थी कि कंक्रीटिंग के दौरान आपको क्या चेकलिस्ट करनी है और कंक्रीटिंग से पहले क्या चेकलिस्ट करनी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाके देख सकता है। और आज का वीडियो होने वाला है, जैसे हमारी स्लैब हो गई, कास्ट हो गई, वो तो उसके बाद आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या क्या आपको करना है। जैसे ही आपकी कंक्रीट हो गया, जैसे मैंने कहा था, एक घंटे के बाद आपको स्प्रिंकलर से पानी मारना स्टार्ट कर देना है, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उस पर डालते रहना है। तो ये किस लिए हम करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, जो श्रिंकेज क्रैक्स हमारे स्लैब में दिखने लग पड़ते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये हुआ क्या है, यहाँ पर अच्छे से जैसे मतलब कंक्रीट सेट होने लग पड़ता है अपना सेटिंग टाइम पे, इनिशियल सेटिंग टाइम जो रहता है उसका 30 मिनट के बाद वो स्टार्ट होता है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें क्रैक के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं, ज़्यादा ठंड है उससे भी श्रिंकेज क्रैक्स आते हैं। तो एक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है क्रैक से बचने के लिए, तो ये रीज़न मतलब रहता है क्रैक्स का। तो ये क्रैक्स आप जैसे ही आपका मतलब 30 मिनट हुए, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी आपको छांटना शुरू कर देना, मतलब स्प्रिंकल करना शुरू कर देना। ये बात हो गई मतलब कंक्रीटिंग के दौरान। दूसरे दिन आपको जैसे ही, क्योंकि जो आप वो पाली होती है जिसे हम ऐसे जो पोंडिंग के लिए हम छोटी छोटी सी दीवार करते हैं, जो हमारी 40 mm हाइट होती है पानी भरने के लिए, वो प्रोसेस आपको करना ही करना है। लेकिन तब तक उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा काफ़ी, अगर बड़ी आपकी स्लैब है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे जो जूट के हेजन होते हैं, मतलब भोरी जिसे हम बोलते हैं, वो आपको बिछा देनी है। अगर छोटी स्लैब है तब तो आपको पूरे में डाल देना है, तब तक वो पाली पूरी नहीं बनती, तब तक आपको उसको क्यूरिंग करते रहना, नहीं तो श्रिंकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब तक वो पाली नहीं बनती है तो आपको पानी स्प्रिंकल करते रहना है। और अगर आपकी स्लैब काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो पॉसिबल हो जहाँ स्लोप है वहाँ पे तो पानी नहीं रुकेगा, तो वहाँ हेजन डाल देने, और जहाँ स्लोप नहीं है थोड़ा गड्ढा वड्ढा है वहाँ पानी आपको फिलअप करके रखना है कि थोड़ा बहुत पानी स्लैब को मिलते रहे, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे पाली तैयार हो गई तो पोंडिंग आपको उसका कर देना है, मतलब उसमें पानी आपको फिल कर देना है। और क्यूरिंग का पीरियड क्या रहेगा आपका, देखो अगर समर है मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, 35 over 40+ है, तो आपको मिनिमम कितने 10 दिन क्यूरिंग करनी है। और मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम आपको 14 दिन पानी उसमें पानी ऑलवेज रहना चाहिए, पूरे दिन मतलब 24 घंटा उसमें पानी रहना चाहिए 14 दिन। लेकिन अगर आपका कोल्ड रीजन है, मतलब ठंडा एरिया है, ठंडा मौसम है, तो आपको मिनिमम 7 दिन क्यूरिंग करनी है, और मैक्सिमम आपको 10 दिन क्यूरिंग उसमें करनी है ठंडे रीजन में, ज़्यादा उसमें कुछ इतना करने के नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ कर रहे हो तो आप 7 से 10 दिन क्यूरिंग कर सकते हो, लेकिन जब उसमें एडमिक्चर्स ऐड हो गए, मिनरल्स ऐड हो गए, फ्लाई ऐश वगैरह ऐड हो गई, तो आपको क्यूरिंग ज़्यादा दिन तक रखनी है, मतलब 14 दिन मिनिमम आपको क्यूरिंग करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है एज ए साइट इंजीनियर, जब भी आपकी स्लैब कॉस्ट होगी तो उसके बाद आपको क्यूरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। और जो आपके श्रिंकेज क्रैक्स आ गए, आपने क्यूरिंग उस टाइम नहीं की लेकिन आपको क्रैक्स दिख रहे हैं अपनी स्लैब में, तो उसको अच्छे से फिनिश कर देना है। वो फिनिश कैसे करोगे, जो सीमेंट हमारा होता है उसकी स्लरी बना के, उसमें SBR केमिकल आता है, कोई भी केमिकल आपके पास
वहाँ पॉसिबल है वाटर प्रूफिंग का, या तो SBR आप डाल सकते हो उसकी स्लरी अच्छे से बना के, जब तक ग्रीन कंक्रीट हो, मतलब तभी आपको जैसे ही श्रिंकेज क्रैक्स आपको दिखना स्टार्ट हो गए, मतलब सेट नहीं होना चाहिए उसका फाइनल सेटिंग टाइम अगर हो गया, तो फिर थोड़ा क्रैक्स फिलअप में चांसेस कम होते हैं, उसमें लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्रिंकेज क्रैक से इतने ज़्यादा चांसेस लीकेज के नहीं रहते हैं, वो हेयर लाइन क्रैक्स ही होते हैं, ऊपर ही आपको दिखते हैं, नीचे वो डेप्थ तक नहीं गए होते, लेकिन कुछ क्रैक्स बढ़ जाते हैं, वो किसकी वजह से, अगर प्रॉपर कवर नहीं प्रोवाइड किया, जहाँ आपकी रिइंफोर्समेंट में कोई भी शटरिंग या सेटलमेंट हुई, तो उस केसेस में आपको अच्छे एडवांस वो चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको सेट करने के लिए। लेकिन आपके अगर श्रिंकेज क्रैक्स हैं तो उसमें आप SBR प्लस स्लरी डाल दोगे, अच्छे से फिल हो जाएगी, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रखनी है, वो अच्छे अपने आप इंसर्ट हो जाएगी, ऊपर से अच्छे से फिनिशिंग उसको कर देने। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एज ए साइट इंजीनियर जब आपकी स्लैब कास्टिंग हो जाए, और जो भी आप उसमें दूसरे दिन डी शटरिंग की जाएगी, जो उसकी साइड्स होंगी उसको डी शटरिंग कर सकते हो आप 17 घंटे के बाद 17 आवर के बाद, तो उसमें वो देख लेना आपने कहीं भी हनीकॉम्ब वगैरह हो तो उसकी आपको फिनिशिंग कर देनी है, और साइड के लिए आपको वहाँ तो पॉन्डिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको जो जूट ये होते हैं कंतान वेट हेजन, तो इसको आपको डाल के उसकी प्रॉपर क्यूरिंग करते रहना है 14 दिन। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको समझ लग गया होगा कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसे ही वीडियोस आपको डेली चैनल पे मिलते रहेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहेगा, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो, और कमेंट करो जो आपको टॉपिक्स चाहिए उस पर हम ज़रूर वीडियो ले आएंगे, बाकी ऐसे वीडियोस हमारी कंटिन्यू रहेंगी रहेंगी। थैंक यू गाइस। गाइस वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी। तो दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आया हूँ, जो साइट इंजीनियर हैं या फ्रेशर हैं या परसों ही सिविल इंजीनियर है वो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें ये बेसिक स्टेप रहता है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, जो हमारा स्टार्टर होता है, कॉलम का स्टार्टर हम इसे बोलते हैं, जो सामने आप देख रहे हो ये प्रोसेस जो किया जा रहा है कॉलम का स्टार्टर, ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और इसमें एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या आपको चेक करना है, वो सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो देखो ये स्टार्टर हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हमारी जो भी सेंटर लाइन होती है कॉलम की, तो वो प्रॉपर हम स्टार्टर के टाइम चेक कर सकते हैं, जो भी सरिया बाहर रहता है या जो सरिया आउट हो गया तो उसको हम तब सेट कर सकते हैं स्टार्टर के टाइम। जब हम अगर स्टार्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट फर्मा जहाँ जिसे हम फॉर्मवर्क बोलते हैं कॉलम की, वो खड़ा कर देंगे, तो उसमें दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बाद में वो कॉलम आउट हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पहले एक हार्ड सरफेस बना लेते हैं। देखो जैसे सामने देख रहे हो, मतलब हमारा जो कॉलम का साइज़ रहता है, अगर 300x300 का है, 500x500 का है, वैसे ले लेंगे, और हाइट में उसका 4 इंच या 100mm हम हाइट में उसको फिल कर देंगे, और जिस ग्रेड का कंक्रीट हमारा यूज़ हो रहा होता है, M30 है, M25 है, तो उसी ग्रेड का कंक्रीट डाल के हम उसको अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद ये स्टार्टर दूसरे दिन खोला जाएगा, क्यूरिंग करके उसको प्रॉपर फॉर्म वर्क किया जाएगा, और जब फॉर्म वर्क करते हैं तो इस अगर स्टार्टर पे फॉर्म वर्क करोगे तो उसको अच्छे से सपोर्ट मिलेगी नीचे जो हमारा कॉलम रहेगा, और वो प्रॉपर एक जगह पे सेंटर लाइन के थ्रू फिक्स होगा। और इसको हम करते कैसे हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो जो प्रोसेस किया जा रहा है, मतलब एक ड्राइंग के हिसाब से हम जैसे नीचे में लेआउट करते हैं सेंटर लाइन प्रोसेस है, वैसे ही हम कॉलम का भी जो ये स्टार्टर करते हैं ऐसे ही करते हैं, मतलब एक साइड से हम स्टार्ट करेंगे और टेप की हेल्प से हम उसको सेट करते जाएंगे कि जितने पे हमारा डिस्टेंस है, अगर आपका 3 मीटर पे कॉलम का सेंटर है तो हम फेस के हिसाब से उसको सेट करते करते आगे चलते जाते हैं। और जो मतलब एक बार हमारा स्टार्टर सेट हो जाए तो विद दी हेल्प ऑफ डोरी, जो हमारी एक लाइन होती है, उससे हम देख लेते हैं कि कॉलम एक लाइन पे है या नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे सेट किया जा रहा है। जैसे आप सामने देख रहे हो जो हमारा डिस्टेंस था, उसके हिसाब से हमने देख लिया कि उधर से वो सामने पीछे आप देख रहे हो, पीछे से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे आता है, उतने डिस्टेंस पे हम स्टार्टर सेट करते जाएंगे, कॉलम का हमारा स्टार्टर होता जाएगा। तो यही प्रोसेस रहता है, मतलब एक मिस्टेक ना हो कॉलम लेआउट में, तो इसलिए हम स्टार्टर करते हैं। दूसरा कि जो प्रॉपर जो कॉलम को सपोर्ट मिल सके, मतलब जो फॉर्म वर्क हम करेंगे नीचे में खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं फर्मा के, तो इसीलिए हम स्टार्टर कर देते हैं कि नीचे प्रॉपर से इसमें सपोर्ट आ जाए। और एक मतलब एक काट कोना भी हो जाता है, राइट एंगल हो जाता है कॉलम का, अगर हम फॉर्म सीधा फर्मा करेंगे उसमें भी हो जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम करते हैं पूरा। तो ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे ही बेसिक टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। एक बेसिक टॉपिक था, ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। कल मैं क्यूब टेस्ट पे वीडियो लाने वाला हूँ, क्यूब टेस्ट कैसे करते हैं, कंक्रीट का हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसी पर हमारा वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू गाइस। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है,
प्रैक्टिकल नॉलेज है आप लोगों के लिए, अगर आप फ्रेशर हो या परसुइंग सिविल इंजीनियर हो या साइट इंजीनियर हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों ने सुना तो होगा स्टार्टर के बारे में, लेकिन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों हम स्टार्टर करते हैं, क्या क्या चीज़ें एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब स्टार्टर होता है। तो कंप्लीट इस वीडियो में मैं फुल डिटेल उसकी दूंगा, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि शाम को आपको इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज क्वेश्चन होंगे, जो आप अगर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो आपको भी काम आएंगे और फ्रेशर हो तो आपको भी काम आएंगे जब भी कहीं इंटरव्यू फेस करोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ स्टार्टर होता क्या है। जैसे आप सामने देख रहे हो एक हमारा कॉलम है, अगर हम फाउंडेशन से स्टार्ट करें या स्टोरी बाय स्टोरी हमें स्टार्टर करना पड़ता है। स्टार्टर करते किस लिए हैं? स्टार्टर करते हैं हमारे कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट रहे कॉलम की, हमें प्रॉपर पता चल जाए कि जो हमारी सेंटर लाइन है नीचे से कॉलम चलता आ रहा है वो प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं है, तो उसमें हमें आइडिया हो जाएगा। देखो अगर हम डायरेक्ट कॉलम खड़ा करने जाएंगे, एक तो उसकी प्रॉपर प्लम में नहीं आएगा वो कॉलम, दूसरा उसकी हमें सेंटर लाइन का तब आइडिया नहीं होगा। और अगर हम पहले स्टार्टर करते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हमें प्रॉपर कवर मिल रहा है कॉलम में नहीं मिल रहा है, जहाँ हमें कितना जो सरिया है वो कभी कभार क्या होता है कास्टिंग के दौरान इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो डायरेक्ट हम कॉलम करने जाएंगे या स्टीरअप उसमें बांध दिए फिर हम उसको करेंगे, तो अगर एक बार स्टीरअप कॉलम में बांध दिए तो उसको जो सरिया रहता है वर्टिकल सरिया उसको पोजिशन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमेशा आपको पहले स्टार्टर करना ही करना है। आपकी नॉर्मल कंडीशन घर का काम करवा रहे हो तब भी करवाना है, कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि पहले स्टार्टर करो फिर उसके बाद, क्योंकि अगर हम स्टार्टर नहीं करेंगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ना उसकी सपोर्ट आपको मारने को मिलेगा, प्रॉपर सपोर्ट नहीं लगती। अगर बिना स्टार्टर के आप कॉलम खड़ा करने जाओगे तो वो कहीं ना कहीं से प्लम में नहीं होगा, अलाइनमेंट थोड़ी बिगड़ी ही होगी, जब कॉलम खुलेगा वो टेढ़ा सा दिखेगा या प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगी, और फ्यूचर में जब उस पर लोड आएगा तो वो थोड़ा लोड मतलब फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर कॉलम आपका प्लम में नहीं है या अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गया क्यों हम स्टार्टर करते हैं। स्टार्टर इसी बेसिकली इसी काम के लिए किया जाता है, प्रॉपर फॉर्मवर्क हो जाए और प्रॉपर अलाइनमेंट रहे और प्रॉपर प्लम में रहे, ये बेसिकली इसलिए किया जाता है। अभी हम बढ़ते हैं एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो जब भी आप स्टार्टर करवाने जाओ आपको प्लान के हिसाब से देख लेना है कि सेंटर लाइन उसकी प्रॉपर है, प्रॉपर कवर मिल रहा है, कवर नहीं मिल रहा है तो उसका थोड़ी बहुत डाई अलाउड होती है, कई जगह पर अलाउड नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत डाई आपको करना पड़ेगा कि प्रॉपर कवर उसमें मिल जाए, क्योंकि जोगल तो हम प्रोवाइड करते ही हैं कॉलम में, तो अगर यहाँ पे आप प्रॉपर से डाई मार के जोगल करते हो तो थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल वो होता है 1:6 के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको जब उसका आप करने जा रहे हो तो उसकी मिनिमम हाइट 4 इंच या 100 mm बोल लो, इतनी आपको रखनी है जब स्टार्टर आप करवाओगे। और एक चीज़ वो गलती हमेशा की जाती है कि उसकी ग्रेड आपको सही रखनी है। अगर मैं कहूँ क्योंकि इसमें तो देखो जॉइंट आ गया कॉलम में, मतलब एक स्टार्टर किया फिर उसमें जॉइंट तो हमारा बनेगा, और अगर हमारा 3 मीटर हाइट का कॉलम है तो 2 जॉइंट हमारे कॉलम में हो गए, तो 2 जॉइंट इतने अच्छे नहीं होते। अगर 1 जॉइंट आए कॉलम में तो वो बढ़िया रहता है। तो कभी कभी क्या करते हैं स्लैब की कास्टिंग के साथ ही स्टार्टर भी कास्ट कर देते हैं कि एक ही जॉइंट ऊपर हमारा पड़े, अगर हमारी कॉलम का फॉर्म जो फर्मा रहता है 8 फुट बोलें या 2400 mm बोलें उतना रहता है, तो अगर उतने के बाद हमारा जो हाइट होती है बिल्डिंग की वो ज़्यादा हो तो हमारा एक और जॉइंट हो गया, तो इसीलिए आपको जॉइंट प्रॉपर प्रोवाइड करना है। और जब आप स्टार्टर भरो तो उसमें आपको शेयर की ज़रूर प्रोवाइड करनी है। शेयर की क्या हो गया, उसको जहाँ तो सरफेस बिल्कुल रफ़ कर दो कुछ स्टार्टर भर के, जहाँ तो उसमें शेयर की हो गया खड्डे खड्डे होते हैं जो मतलब 150 by 100 mm का जो आपको शेयर की बना देनी है, एक तो ये रखनी है। और दूसरी चीज़ उसमें जो ग्रेड आप यूज़ करोगे, जो आप कॉलम में ग्रेड यूज़ करने वाले हो, M30 का कॉलम में अगर ग्रेड है तो आपको M30 ही प्रोवाइड करवाना है, और उसकी क्यूरिंग प्रॉपर क्यूरिंग आपको करनी है क्योंकि लोड उस पर आने ही वाला है। क्योंकि क्या करते हैं ग्रेड मतलब कोई भी ग्रेड का जो चल, अगर M30 ग्रेड यूज़ हो रहा है तो M20 का आपको या M25 का आपको ग्रेड उसमें कभी नहीं डालना है, शेयर की प्रोवाइड करनी है और क्यूरिंग प्रॉपर करके फिर ही उसके ऊपर फॉर्म वर्क किया जाएगा। ये साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी वो करवाना है आपको, मतलब बेसिक आपको पता चल गया स्टार्टर होता क्या है, साइट इंजीनियर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही आज का वीडियो था, बेसिक वीडियो था, इस पर वीडियो आ चुकी है पहले भी, 600 प्लस वीडियोस हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगी, आप घर बैठे साइट इंजीनियर का नॉलेज ले सकते हो, जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन आएंगे उनको आप टैकल कर सकते हो।
तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जॉब्स के लिए नए चैनल जो क्रिएट किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाओ, नई नई जॉब्स आती रहती हैं। आज भी 3 जॉब्स आने वाली हैं जो फ्रेशर्स के लिए भी रहेंगी और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए भी रहेंगी। और हमारी वेबसाइट पर विजिट करो, वहाँ आपको इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएंगे, 2000 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, IAS कोड्स हैं और जॉब्स के लिंक हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं साइट पर भी, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू गाइस। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साइट इंजीनियर हो या आपकी घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। इसमें आज वीडियो में जो हम बात करेंगे वो लिंटल पे बात करेंगे कि लिंटल का लेवल क्या होना चाहिए, लिंटल में स्टील क्या होना चाहिए और लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। सिल लेवल क्या है, सिल लेवल कितना होना चाहिए वो हम बात करेंगे। पार्टीशन वॉल जो रहती है उसकी कितनी मिनिमम आपको थिकनेस रखनी है, और जो आपकी मेन वॉल रहती है उसकी कितनी रखनी है, और भी बेसिक चीज़ें इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो है आप दोनों के लिए, साइट इंजीनियर्स के लिए भी और जो लोग अपना घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं उनके लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट ही किससे करेंगे, हमारा जो लिंटल होता है तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखो जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे ही हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं, और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया, तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक बढ़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे, दरवाजे पे, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं, और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया, तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रेजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें तो सरिया आपको जो रखना है तो वो आपको रखना है नीचे में, आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं, 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की वो 150x150 की रखो, और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट, उसकी हो गई क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी की होता है, तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है, और जो ऊपर का ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है। ये हो गया लिंटल और उसका भी। अब हम बढ़ते हैं पार्टीशन वॉल और मेन वॉल जो हमारी, तो पार्टीशन वॉल आपको कितनी रखनी है, हमेशा आपकी जो 4 इंच पार्टीशन वॉल होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन जब भी आप पार्टीशन वॉल प्रोवाइड करवाओ उसमें आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करवा देने हैं। एक तो आपको सिल लेवल पे भी प्रोवाइड करवा देने हैं और दूसरा आपका जो लिंटल लेवल पे आएगा वहाँ पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड देना है। और कंक्रीट बैंड क्या हो गया हमारा, एक कंक्रीट की लेयर डाली जाती है 4 इंच की, इसमें मैंने वीडियो भी डलाई थी, एक 4 इंच की लेयर आपको डला देनी है, हाइट 4 इंच रहेगी और जो मतलब उसकी पार्टीशन की जितनी विड्थ है
मतलब अगर 4 इंच या 5 इंच है तो उतना वो करेगा। और जो सरिया इसमें आप डालोगे, 2 सरिया आपको डाल देना है 12 का, और यू शेप आपको उसके स्टीरअप डाल देने। जैसे आप सामने देख रहे हो यहाँ यू शेप स्टीरअप है और 2 सरिया 12 का इसमें डाल दिया। ये हमारा हो गया हमारा किसका पार्टीशन वाल का। फिर हम बात करते हैं जो हमारी मेन वाल रहेगी, वो आपको 9 इंच की रखनी है। 9 इंच की आपकी ब्रिक पे डिपेंड है, ब्रिक थोड़ी छोटी बड़ी भी होती है, लेकिन 9 इंच आपकी दीवार बनाई जाएगी, तो उसमें आपको 9 इंच प्रोवाइड करनी है। उसमें भी आपको 1 मीटर के लेवल पे जहाँ सिल लेवल आता है वहाँ कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर देना है, और फिर 2400 पे हमारा लिंटल आ रहा है। तो जो आपकी घर होगा, मतलब कि चारों तरफ जो आपकी दीवार रहेगी वो 9 इंच की रखो। अगर आप कुछ भी डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हो या फ्लाई एश ब्रिक यूज़ कर रहे हो या रेड ब्रिक कर रहे हो, वो बाहर की दीवार आपकी 9 इंच रहेगी, पार्टीशन वाल आप बाहर 4 या 5 इंच की आपकी कर सकते हो। तो ये बेसिक नॉलेज था आपके लिए कि क्या क्या बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और क्या सिल लेवल, लिंटर लेवल, पार्टीशन वाल और जो हमारी मेन वाल है उसमें आपको आई होप आज कुछ ना कुछ आपने सीखा ही होगा। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। शाम को हमारे इंटरव्यू पे क्वेश्चन पे वीडियो ज़रूर आएगी जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देगी। थैंक यू गाइस। तो आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको देख के आइडिया लग गया कि किस पे हमारा वीडियो होने वाला है। तो 7 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूँ जब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, या फ्रेशर भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको टैकल करने आ सकते हैं इंटरव्यू में। तो उनको कैसे टैकल करना है, कैसे उनका आंसर देना है, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। 7 क्वेश्चन रहेंगे, डेली हमारी इस पे वीडियो आती है, शाम को हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन पे वीडियो रहती है, मॉर्निंग में हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज पे वीडियो रहती है। तो आज भी हमारी मॉर्निंग में जो वीडियो आई थी वो थी कि 2 कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए, उसका स्टील वगैरह और बेसिक चीज़ें उसमें मैं बताई थी। ऐसे इस मॉर्निंग में प्रैक्टिकल नॉलेज, शाम को इंटरव्यू वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी अपने करियर को ग्रो करने में या इंटरव्यू को टैकल करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में गेमिन इंडिया में, हाउ विल ट्रक बी चेक्ड ऑन साइड व्हेन रिसीविंग कॉन्क्रीट। देखो क्या है, जब आपका RMC कॉन्क्रीट रहता है, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट आता है, तो जब वो साइट पे आता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको क्या चेक करना है। इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, लेकिन आपको आंसर क्या रहेगा आपका, देखो जैसे ट्रक आएगा पहले उसका आपको मेन चीज़ देखनी है बैचिंग टाइम, कहीं मतलब 1-2 घंटा डिले हुए ट्रक तो नहीं आया, उसका बैचिंग टाइम आपने देख लिया कि प्रॉपर बैचिंग टाइम है, जो कंक्रीट मंगाया वही है, जितना क्वांटिटी मंगाई है वही, वो चीज़ें देख ली तो ट्रक अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको उसका स्लंप देखना है कि स्लंप वैल्यू जितनी हमने मंगवाई थी वो स्लंप वैल्यू आई है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आपने 130 mm स्लंप बोला है और आया 100 है या 150 है, तो वो काफ़ी इफेक्ट करेगा आपको। अगर पंप से कंक्रीट कर रहे हो या ऐसे कंक्रीट कर रहे हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे ही कंक्रीट आ गया उसके बाद आपको उसका स्लंप टेस्ट करना है कि जो पर्ची पे या फॉर्म पे लिखा है कि इतना स्लंप हमने भेजा, तो उतना स्लंप आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो देख लिया। फिर आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि क्या होता है जैसे पानी मिक्स हो जाएगा सीमेंट में तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको एक्सेप्टेबल क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर आपका 10 डिग्री होगा तो एक्सेप्टेबल है, मैक्सिमम 32 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ तो मीन्स उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो काफ़ी टाइम से कंक्रीट बना पड़ा है, तो उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तो वो चीज़ आपको चेक कर लेना है। 32 डिग्री उसका सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये हो गया, उसके बाद कंक्रीट वर्क स्टार्ट हो गया, उसमें आपको सैंपल ले लेने हैं क्यूब टेस्ट के लिए या सिलेंडर टेस्ट, जो भी हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। जितनी भी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपको सैंपल ले लेने हैं, जैसे 1 से 6 m³ है तो आपको 1 सेट मतलब 6 क्यूब आपको फिलअप कर देने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इज़ कंक्रीट स्ट्रॉन्गर विद मोर सीमेंट, क्या कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसमें हम ज़्यादा सीमेंट डालते हैं तो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होते जाता है। देखो होता क्या है, जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, वाटर सीमेंट रेशो की। अगर हम पानी उसमें ज़्यादा डालेंगे, अगर देखो हमारी वाटर सीमेंट रेशो क्या रहती है, 0.40 से 0.60 हमारी रहती है अकॉर्डिंग टू सीमेंट, तो अगर हम ज़्यादा पानी उसमें डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। अगर हम कम पानी डालेंगे, ये नहीं है मतलब जितनी प्रोपोर्शन का है वाटर रेशो, जिस M30 है, M25, M20 है, जितना कहा है कि इतना उसमें पानी होना चाहिए तो उतना होना ही होना चाहिए, ये नहीं है कि उसमें कम डालेंगे तो अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, उतना होना चाहिए। अगर उससे हम ज़्यादा डालते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जितना पानी डालेंगे उतना वो स्ट्रेंथ डिक्रीज उसकी होती जाती है। और जितना हम सीमेंट, ये नहीं है कि ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा क्रैक्स दिखेंगे अगर ज़्यादा सीमेंट डाल दिया, लेकिन अगर आप पंपेबल माल है, पंप से कंक्रीट
कर रहे हो तो उसमें 10% तो ऐसे भी हमारा सीमेंट ज़्यादा ही डालना होता है, बाकी डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से हमें सीमेंट डालेंगे तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी। ये नहीं है कि बड़ा ज़्यादा सीमेंट डालने से ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, नहीं, जितना डिमांडेबल है, जितना नीड है उतनी डालना है, उससे 10-15% ज़्यादा रहता है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन कम डालेंगे तो उस हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगी और सैंड की क्वांटिटी हमें प्रोपोर्शनल डालनी होती है जितनी हमारी नीड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लास्टिसाइजर? प्लास्टिसाइजर क्या होता है? देखो, अगर ज़्यादा वाटर रेशो हम रखते हैं, कंक्रीट हमारा वर्केबल हो जाएगा, काम करने लायक अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जैसे मैंने कहा स्टार्ट में डिक्रीज़ हो जाएगी। और प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है? पानी से अच्छा है कि आप प्लास्टिसाइजर उसमें डालो। प्लास्टिसाइजर क्या करेगा? कंक्रीट को वर्केबल भी कर देगा, देर तक वो चलेगा भी। और प्लास्टर और रिटार्डर में क्या डिफरेंस हो गया? रिटार्डर हो गया मतलब सेटिंग टाइम उसका स्लो कर देता है, और प्लास्टिसाइजर क्या करता है? कंक्रीट को वर्केबल कर देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कंक्रीट डालते जाएंगे और लेबर उसको फैलाती जाएगी। अगर उसमें वाटर रेशो कम होगी या प्लास्टिसाइजर नहीं होगा तो वो माल थोड़ा टाइट होगा, उसको यूज़ करने में दिक्कत होगी और वो ज़्यादा वर्केबल नहीं होगा। और बाद में इस पर एक और क्वेश्चन आएगा इसी के रिलेटेड, वो आगे मैं बताता हूँ। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ऐड इनफ वाटर टू कंक्रीट? देखो, ये क्वेश्चन आ गया, क्या होगा अगर आप पानी, जितना पानी चाहिए कंक्रीट को उतना पानी नहीं डालोगे तो उससे क्या होता है? पहली चीज़ तो ज़्यादा पानी नहीं डाला हमने तो उसमें हमारे हनीकॉम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वर्केबल भी नहीं रहता है कंक्रीट, उसको मतलब काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेबर ज़्यादा लगेगी उसको हैंडल करने में, और वो जल्दी जल्दी हार्ड होने के लगेगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये होगा क्या उससे? उससे ये होगा कि उसमें वर्केबल नहीं रहेगा, उसमें हमारा हनीकॉम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना पानी नीड है, जितनी रेशो वाटर सीमेंट रेशो कही है कि आपका 0.40 या 0.55 या 0.60 होना चाहिए, तो उतना पानी उसमें होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पहले मैंने शूट के बारे में बताया था, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप हमें कितनी देनी चाहिए शूट जो होती है जिससे हम कंक्रीट करते हैं? मतलब ये तो नहीं है कि TM ट्रांजिट मिक्सचर से डायरेक्ट हम कंक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलाउबल होता है कि 1.5 मीटर दूर से ही हम कंक्रीट को फेंक सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, मटेरियल अलग अलग हो जाएगा, एग्रीगेट अलग, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो इस केस में हम शूट यूज़ करते हैं। तो शूट की स्लोप क्या होनी चाहिए? जो मैक्सिमम स्लोप आपकी होगी वो 1:2 होगी। 1:2 कैसे? हाइट हम अगर 1 मीटर ले रहे हैं तो उसकी स्लोप 2 मीटर तक वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है? मतलब अगर 2 मीटर ले रहे हैं तो वो 4 मीटर तक लंबी होनी चाहिए शूट। और मिनिमम कितनी स्लोप होनी चाहिए? 1 मीटर हाइट ले रहे हैं तो 3 मीटर वो लंबी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द क्रैक? क्रैक क्यों आते हैं स्लैब में? क्या रीज़न होता है क्रैक आने का? देखो, बहुत रीज़न होते हैं। अगर पोर क्यूरिंग हम करेंगे तो आएंगे, अगर पोर डिज़ाइन हमारा रहेगा तो आएगा, पोर वाइब्रेशन अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे क्रैक्स आएंगे, अगर हम कवर कम रखेंगे स्लैब में या जो भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारे क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पोर क्वालिटी का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें चांसेस होते हैं। अगर थोड़ी भी मूवमेंट हुई, सेटलमेंट हुई, फॉल्स वर्क की, जो शटरिंग की है, तो उसमें भी क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। अगर हाई वाटर वाटर रेशो कर देंगे तो उसमें भी, अगर समर ज़्यादा गर्मी होगी उससे भी, ज़्यादा ठंड होगी उससे भी, तो क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ीरो स्लंप क्या होता है? ज़ीरो स्लंप हो गया जब आप वाटर रेशो कम कर देते हो, माल एकदम टाइट हो जाता है, तो उस केस में हम ज़ीरो स्लंप बोलते हैं। इसमें 4 टाइप के स्लंप देखने को मिलते हैं, ज़ीरो, ट्रू, क्लैप्स और शेयर स्लंप देखने को आपको मिलता है। तो इसमें मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या आज मैं बताने वाला था। 7 ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, एज ए साइट इंजीनियर जब आप साइट पर जाओगे तो काफ़ी आपको ये हेल्पफुल करने वाले हैं। इसका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप ज़रूर कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक जॉब का चैनल मैंने नया बनाया है, वहाँ जाओ उसको भी सब्सक्राइब कर लो, जॉब के अपडेट आते रहते हैं। सुबह प्राइवेट जॉब का आया, अभी इवनिंग में हमारा गवर्नमेंट जॉब का अपडेट आएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी आप टॉपिक चाहते हो, कोई भी वीडियो चाहते हो आप कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालता हूँ मॉर्निंग या इवनिंग में, आपके तक वो सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक यू गाइस। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। रिपीट कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक के कि सर आप एक वीडियो बनाओ जिसमें हमें क्लियर हो जाए कि हमें कितना मैक्सिमम डिस्टेंस रखना होता है कॉलम के बीच में, मतलब मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है अगर हम हमारा डिस्टेंस 7 मीटर हो गया या 40 फुट हो गया, 50 फुट हो गया या 10-12 फुट है,
तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, वो चीज़ें आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, इसमें फुल वीडियो जब देखोगे आप तो आपको आइडिया लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसे बीच में छोड़ दोगे, क्योंकि इस पर 2-3 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो देखने के बाद ही लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होगा और ऐसे क्या होगा, तो वही मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सामने आप बीम देख रहे हो, कॉलम देख रहे हो, तो इनके जो स्पान है वो स्पान काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हैं। मतलब आप जो बड़ा वाला कॉलम देख रहे हो, इसमें 13 मीटर स्पान है, मतलब 13 मीटर डिस्टेंस है दोनों कॉलम में। और कई में आपको दिख रहा है 3 मीटर है, 4.5 मीटर है, 3500 है। तो ये इससे क्या क्लियर होता है, देखो आप जो मिनिमम डिस्टेंस आपको कॉलम के बीच में रखना है, मिनिमम आपको 2.5 मीटर रखो, 2.5 से 3 मीटर मिनिमम, 3 मीटर से कम नहीं रखने का, वो कॉलम का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ सिचुएशन में हम रखते हैं, मतलब कई कई जगहों पे आपने देखा होगा 2 मीटर भी होता है, 2.5 मीटर भी होता है। वो कहाँ होता है, जहाँ हमारी स्टेयर केस हो या कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा हो, वहाँ हम नॉर्मली केसेस रखते हैं। लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग आपने देखी, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग होती है 30 स्टोरी की, 40 स्टोरी की, उसमें आपको डिस्टेंस ऐसा देखने को मिलेगा 15-15 मीटर भी देखने को मिलेगा, 12-12, 13-13, 14-14, 50 फुट या 40 फुट देखने को मिलेगा। वहाँ होता क्या, कैसे हम इस चीज़ को काउंटर कर लेते हैं, फिर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी आएंगे, जो हम छोटे मोटे ड्यूप्लेक्स बनाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, उनमें मैक्सिमम मिनिमम कितना रख सकते हैं, कॉलम का साइज़ क्या रख सकते हैं, बीम का साइज़ क्या रख सकते हैं, वो भी मैं आगे बात करता हूँ। पहले हम कमर्शियल बिल्डिंग की बात कर लें, जहाँ आपने देखा होगा कि 13-12 मीटर डिस्टेंस होता है। जो जैसे आप सामने भी देख रहे हो, जो कॉलम का साइज़ है 1500x1 मीटर का साइज़ है, और स्पान हमारा 12.5 मीटर है। और ये क्या होता है, ये डिपेंड होता है आपके कॉलम का साइज़, बीम की डेप्थ, मतलब इस पे आपका डिपेंड होगा कि आप कितना लंबा बीम दे सकते हो। ये आर्किटेक्ट प्रॉपर से उसको डिज़ाइन करता है कि ये जो लोड इस पे पड़ेगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे कॉलम का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बीम की जो डेप्थ होती है, विड्थ होती है, वो बढ़ती जाती है। और जो हमारी स्लैब होती है वो वन वे नहीं रहती, फिर 2-way स्लैब आपको उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। मतलब 3 केसेस हो जाते हैं, जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, कॉलम का साइज़ बढ़ेगा, और हमारा जो बीम की डेप्थ होगी, विड्थ होगी, वो बढ़ती जाएगी, और स्लैब हमारी प्रॉपर उसकी विड्थ, उसकी डेप्थ और 2-way स्लैब हमें उस एरिया में प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हमारी होगी बात कमर्शियल बिल्डिंग की। अब आते हैं हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो छोटी मोटी बिल्डिंग होती है हमारी, घर की बिल्डिंग हो गई, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसमें हमें जो कॉलम का मिनिमम डिस्टेंस रखना है वो हमें 3 मीटर रखना है मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 5 मीटर के ज़्यादा नहीं जाना है। क्योंकि उस केस उधर क्या करते हैं, हम जो कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं वो भी छोटे होते हैं, मतलब मैं साइज़ बताता हूँ आगे, वो उनका साइज़ भी छोटा होता है, बीम की डेप्थ भी छोटी होती है, और जो हम सरिया प्रोवाइड करवाते हैं वो भी छोटा रहता है। तो इस उस केसेस में आपको 6 मीटर से मैक्सिमम नहीं जाना है, मतलब मिनिमम आपका हो गया 3 मीटर और मैक्सिमम हो गया 6 मीटर। तो मैं यही करूँगा, 4 मीटर या 4.5 मीटर इस बीच आप अपने कॉलम का स्पान रखो, जहाँ हम बोले हमारे जो हो गया 13 से 16 फीट आपको रखना है। ये क्लियर हो गया केस। अभी हम बात करते हैं हमारे घर के जो कॉलम का साइज़ रखेंगे, अगर हम 4 मीटर या स्पान रखने हैं 4 मीटर, तो उसमें हमें कॉलम क्या प्रोवाइड करना है। तो उसमें कॉलम आपको, देखो हमें थोड़ा एरिया बचाना होता है, अगर हम बड़ा कॉलम दे देंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो एरिया कंज्यूम होगा। तो कॉलम हम 9 इंच बाय 12 इंच का प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ड्यूप्लेक्स हाउस है, आपने सोचा है कि 2 स्टोरी हमें रखनी है, 9 बाय 12 का कॉलम प्रोवाइड कर दो, 9 की आपकी दीवार आ जाएगी, और जो 12 का एरिया होगा वो बाहर की तरफ थोड़ा ऑफसेट रहेगा, अंदर की तरफ वो भी ऑफसेट आपको नहीं रखना है। 9 बाय 12 का कॉलम हम प्रोवाइड कर देंगे, और जो हमारा बीम होगा ऊपर वो आप ऑफसेट देके प्रोवाइड कर सकते हो 12 बाय 12 का, जहाँ आप 9 बाय 12 का उसमें बीम दे दो, और उसमें जो स्टील रहेगा बॉटम में आपको 16 का सरिया 3 डाल देना है, और टॉप में आपको 12 का सरिया डाल देना है, और कॉलम में हम सरिया प्रोवाइड करेंगे 4 नग 16 का हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से हम डुप्लेक्स को कर सकते हैं। लेकिन जो आज का वीडियो था वो प्रॉपरली किस चीज़ के लिए था, हमारा मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए। तो मिनिमम आपको 3 मीटर रखना है, और मैक्सिमम आपको 5 या 6 मीटर आपको हद तक हद जाना है। ये हो गया हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर का। तो इसमें आप चीज़ को, ये चीज़ को ध्यान रखना ही रखना है। और जैसे मैंने कहा, आपको ऐसे कहीं से भी प्लान उठा के, जहाँ खुद ऐसे कॉलम, ये नहीं करना है कि 3 मीटर में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा। ये चीज़ भी कई केसेस में फेल होते हैं, कॉलम फेल हो जाते हैं। आपको प्रॉपर आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट से ये कंसल्ट कर लेना है कि हमें कितने पे प्रोवाइड करना है,
बाकी अगर आप 3 या 6 मीटर पर प्रोवाइड करते हो और प्रॉपर कॉलम या बीम प्रोवाइड करते हो तो इतने ज़्यादा फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और स्लैब में आपको ध्यान देना है, स्लैब में आपको 2-way कर देना है, जहाँ स्पान ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वहाँ बीम की डेप्थ भी ज़्यादा कर देनी है और ऊपर 2-way स्लैब आपको कर देनी है। तो इस वीडियो से आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको किस बेस में कैसे आपको कॉलम का मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। इस पर 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है और थ्योरेटिकल वीडियो भी है उसमें दिखाया भी है कैसे करते हैं। और जो सामने आप देख रहे हो वो कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें स्पान काफ़ी ज़्यादा है, बीम काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हम छोटे की तरफ जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, ऐसा ही वीडियो एक और आपको शाम को देखने को मिलेगा इंटरव्यू क्वेश्चन पे शेयर की पे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। मैं टॉपिक के नाम बता देता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो या साइट इंजीनियर हो काफ़ी काम की वीडियो है आपके, कि शेयर की क्या होती है, टाई रोड क्या है, डोवेल्स क्या हैं। फिर हम बात करें कि मेरे को कमेंट आ रहा है कि सर सर्कुलर कॉलम का हम कैसे जो स्टार्टर होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वो बताऊंगा। प्राइमरी भी सेकेंडरी भी हम अच्छे से विजिट करवा के बताऊंगा, और डोर का जैम क्या होता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं शेयर की से। तो शेयर की क्या होती है, देखो जो सामने आप खड्डे देख रहे हो बीम में, ये प्रॉपर से की गई नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। शेयर की हम प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ भी हमारा जॉइंट आता है। आपने मोस्टली शेयर की सुनी होगी आप जब डिग्री कर रहे होंगे अपनी, तो उधर रिटेनिंग वॉल का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम नीचे में शेयर की प्रोवाइड करवाते हैं। वो क्यों, मतलब एक बॉन्ड बनी रहे, मतलब जैसे एंकरेज चाहिए होती है ना, वही काम शेयर की यहाँ करती है। जब दूसरा कंक्रीट होगा इस कॉलम में, जैसे आप कॉलम देख रहे हो सामने, स्टार्टर हो गया, स्टार्टर के बाद यहाँ कॉलम किया जाता है, तो कॉलम का जो कंक्रीट होगा दूसरे टाइम वो अच्छे से बॉन्ड बना पाए नीचे, फेलियर के चांसेस डिक्रीज कर पाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेलियर के चांसेस कॉलम के कहाँ होते हैं, नीचे में। और अगर वहीं पे एक प्रॉपर जॉइंट नहीं बनाया गया तो फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ हम शेयर की प्रोवाइड करते हैं, और शेयर की का आप कैसे किस वे में रख सकते हो, देखो हम उसकी लेंथ आप 150 बाई और डेप्थ उसकी 100 mm रख सकते हो, कि प्रॉपर से जब दूसरा कंक्रीट हो एक अच्छी सी बॉन्ड उसमें बन जाए। तो यही पर्पज़ रहता है शेयर की का, कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक मतलब जब वहाँ हमारा जॉइंट आता है वहाँ प्रॉपर जॉइंट अच्छे से हो पाए, इसलिए हम शेयर की वहाँ प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया शेयर की का कॉन्सेप्ट। अगला हम बढ़ते हैं टाई रोड की तरफ। तो टाई रोड क्या हुई हमारी, टाई रोड जैसे सामने आप देख रहे हो, मतलब हम कॉलम की शटरिंग के लिए यूज़ करते हैं या किसी भी चीज़ की शटरिंग होती है, शेयर वॉल की शटरिंग होगी, तो उसमें हमारा जब कंक्रीट होता है तो लोड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो शटरिंग है उसको एक अच्छे से प्रॉपर वे से पकड़ने के लिए हम मोस्टली टाई रोड यूज़ करते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो 16 mm टाई रोड है, ये हर एक अलग अलग डाया की टाई रोड आती है, इसमें जो स्क्रू आप देख रहे हो स्क्रू की हेल्प से हम टाइट कर देते हैं, मतलब दोनों तरफ हमारे सी चैनल लगेंगे, बीच में हमारी टाई रोड लगेगी और स्क्रू की हेल्प से हम उसे टाइट कर देंगे, इसे हम टाई रोड बोलते हैं। अगली जो चीज़ है, अगली मैं बताने वाला हूँ स्टार्टर का वॉल्यूम निकालने के लिए, सिंपल फार्मूला है जो हम 8th से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी हेल्प से हम निकाल पाते हैं कि कैसे हम कोई भी सर्कुलर चीज़ है उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, वो हम उसकी हेल्प से निकाल पाते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो ये हमारा 900 mm का सर्कुलर कॉलम है, तो हमें सिंपल क्या करना है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच करना है, 3.14 × r हमारा क्या आएगा रेडियस, हमारा ये 900 का कॉलम है तो 0.450 × 0.450 × h, हाइट क्या होगी हमारी 100 mm का हम हाइट स्टार्टर भर रहे हैं, तो उसकी हेल्प से हम ये इसका वॉल्यूम निकाल देंगे कि हमारा 0.110 कंक्रीट MQ माल लगेगा या एक बोरी का माल, जैसे भी जो भी कंक्रीट आता हो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक। अगली चीज़ क्या है, जो हम स्टील की वीडियो में डाल रहा था स्टील की चेकलिस्ट बीम की, तो उसी दौरान सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम का मैंने कॉन्सेप्ट लाया था, तो उस समय बीम को अच्छे से हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब क्या है वो स्लैब खुल चुकी है तो नीचे से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी बीम क्या है, हमारा प्राइमरी बीम क्या है। तो जो बड़ा बीम आप देख रहे हो उसके ऊपर हमारा जो रेस्ट किया है वो हमारा सेकेंडरी बीम है, मतलब जो लोड प्राइमरी बीम जो सेकेंडरी बीम पे लोड आएगा, स्लैब का लोड हमारा सेकेंडरी बीम पे जाएगा, वो सेकेंडरी बीम से लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा प्राइमरी बीम पे, और प्राइमरी बीम से हमारा लोड कॉलम के थ्रू नीचे फुटिंग में और सॉइल में चला जाएगा। तो ये होता है, और सामने आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे, अभी सामने आपको दिख रहा होगा एलिवेशन पूरा, ये टी बीम है हमारा, तो ऊपर स्लैब आ गई, नीचे बीम की लटक आ गई, और देखो बड़ा बीम जो दिख रहा है आपको एक 900 × 1 मीटर का बीम है, उसके ऊपर जो बीम है 300 × 450 का वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, और 300 × 450 का
जो बीम है उसके ऊपर एक और छोटा बीम आ रहा है 230x400 का, वो उसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। तो इधर से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो हमारा प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है। इसका डिज़ाइन आपने अपने बीटेक के टाइम किया होगा, जहाँ ऐसे कॉलेजेस में पढ़ा होगा, तो ये चीज़ रहती है। वही हमारा क्लियर हो गया कि प्राइमरी से सेकेंडरी से प्राइमरी, प्राइमरी से कॉलम के थ्रू हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गया तीसरा कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट अगर हम चलते हैं अभी, जो अगली चीज़ है हमारी वो है प्लास्टर का चेकिंग कैसे कैसे करते हैं सर, और डेप्थ कितनी है कैसे पता चलेगी। वो तो स्केल रहता है, वर्नियर स्केल से भी हो जाती है। बाकी जब डेप्थ के लिए मैंने एक पहले कॉन्सेप्ट बनाया था, जब हम चेकलिस्ट कर रहे थे कि प्लास्टर कितना चढ़ाएं हम, कितनी दीवार पे प्रॉपर प्लास्टर आएगा, वो कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि प्लास्टर की थिकनेस कितनी आ रही है। पहले जब एक बार प्लास्टर हो जाता है उसको हम चेक कैसे करते हैं, सामने आप देख रहे हो एक फंटी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, डोरी की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर प्लास्टर हुआ है कि साउल में हुआ है। नहीं नहीं तो साउल से थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर हम फंटी को चारों तरफ घुमा के उसके साइड पे गैप देख सकते हैं कि कहाँ पे गैप आ रहा, तो उधर से हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ज़्यादा प्लास्टर में गैप है। मतलब 1-2 mm है तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब कभी ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। इस जो सामने फंटी देख रहे हो इसकी हेल्प से हम चेक करते हैं। ये क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया कमेंट में। अगला जो क्वेश्चन पूछे गए आपकी तरफ से कि डोवल क्या होते हैं और प्रॉपर अच्छा केमिकल कौन सा है उसको यूज़ करने के लिए। तो डोवल होता है क्या, डोवल वो है हमारा पुराना कॉन्क्रीट सरफेस है, उधर हमें एक्सटेंशन करनी है, नया कुछ बनाना है। मतलब आगे लगा लो दो रूम आपने बना के रखे हैं, स्लैब वहीं तक है और आगे आपको स्लैब करनी है, तो सरिया क्या करेंगे, तो उसमें हम डोवल यूज़ करते हैं, ग्राउट करते हैं, डोवल्स होल करके उसमें हम सरिया डालते हैं। और सरिये के लिए अच्छा केमिकल कौन सा है, फिशर केमिकल, सामने आप जो देख रहे हो, जहाँ हिल्टी केमिकल वो भी आता है। और डोवल हम उसे बोलते हैं, मतलब हमारा जैसे क्या होता है कॉलम हो जाते हैं हमारे और बीच में हमारा लिंटल हमें डालना होता है, और लिंटल का सरिया हमने प्रोवाइड नहीं किया होता, तो वहाँ हम होल करके लिंटल का सरिया ग्राउट करते हैं और फिर वहाँ हमारा वो प्रोसेस पूरा लिंटल का किया जाता है। तो डोवेल क्या हुए, मतलब किसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के आपको एक्सटेंशन करनी है, वहाँ स्टील बार नहीं है तो आप वहाँ स्टील बार लाओगे, उस प्रोसेस को हम डोवेल बोलते हैं। जहाँ हम पहले ही कंस्ट्रक्शन के टाइम ही डोवेल छोड़ देते हैं, एक्सटेंड करके सरिया अल्टरनेट करके छोड़ देते हैं कि बाद में हम उसे यूज़ कर सकें, तो वो हमारा डोवेल हो गया। और अच्छा केमिकल कौन सा है हमारा, फिशर या हिल्टी का आप यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा केमिकल मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डोर जैम क्या होता है। तो डोर जैम सिंपल एक मतलब वर्ड यूज़ किया जाता है डोर जैम, ये सामने आप देख रहे हो, चौखट भी हम जिसे बोलते हैं, और एक ग्रेनाइट की चौखट होती है, वुडन की चौखट होती है, तो उसे हम डोर का जैम बोलते हैं, डोर जैम। तो ये आपको काम आएगा कहाँ, बिलिंग वर्क में, जहाँ जब आप क्वांटिटी निकालोगे किसी चीज़ की, तो उसमें हमारा ये डोर जैम वर्ड आपको सुनने में आएगा। तो ये क्वेश्चन थे आज के 5-6 क्वेश्चन जो कमेंट्स में पूछे गए थे, और आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे जब आप साइट पे जाओगे, नई नई चीज़ें सुनोगे। तो आपने वीडियो देखी रही होगी तो आपको आइडिया रहेगा कि इन्हें क्या बोलते हैं और इसका क्या काम है। ऐसी कंटिन्यू वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, डेली आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस। आज का वीडियो हमारा होने वाला है प्रैक्टिकल नॉलेज पे, टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन है 4 जो फ्रेशर से भी पूछे जाते हैं और एक एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर से भी पूछे जाते हैं, तो आज ऐसे ही 4 क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है आपके लिए, काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में से सीखोगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि इफ़ ऑन साइड स्लम टेस्ट फेल, अगर साइड पे जो हम स्लम टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, अगर वो फेल हो जाए तो क्या आप जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो आप अगर ऐसे क्लाइंट काम कर रहे हो, ऐसे साइट इंजीनियर हो, तो उसको वो काम करने दोगे कि नहीं करने दोगे। तो देखो होता क्या है, जो स्लम टेस्ट हम करते हैं उसमें काफ़ी वैल्यूज़ आती हैं, कभी कभी ज़ीरो स्लम्प हो जाता है, शेयर स्लम्प है, कोलैप्स स्लम्प है, या ट्रू स्लम्प आता है। तो अगर ज़ीरो स्लम्प आया या कोलैप्स स्लम्प आया तो उस केस में आप अलाउ करोगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो इसका आंसर है 3-4 चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। देखो आपके पास अथॉरिटी होती है, आपके जो वर्क ऑर्डर रहते हैं उसमें जो क्यूसी पॉलिसी रहती है उसमें मेंशन होता है कि अगर क्वालिटी के साथ काम नहीं हुआ, जो हमें डिमांड रखी है, जिस हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं वैसे काम नहीं हुआ, तो आप काम रोक सकते हैं। मतलब एज ए साइट इंजीनियर आपके पास अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप काम रुकवा सकते हो, क्योंकि अगर आपने कहा है कि हमें 130 mm स्लम चाहिए या 120 mm स्लम चाहिए या 100 mm स्लम चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर वो आपको नहीं दे पा रहा है तो आप काम रुकवा सकते हो, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आप काम नहीं रुकवा सकते, मतलब जो ट्रांजिट मिक्सर है, TM है, RMC से माल आ रहा है,
या तो वो वापस भेज दो, एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ अगर आप वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि नहीं हम मतलब ये अच्छा है हमें यही चाहिए या वर्केबल है जो भी कहता है वो, तो उस केस में आप उसको अलाउ कर सकते हो काम कर ले। लेकिन बाद में जो हम उस कंक्रीट का क्यूब टेस्ट करते हैं वो अगर फेल आया तो फिर तेरे को स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ सकता है, जो भी कॉलम होगा या स्लैब होगा वो स्ट्रक्चर कोलैप्स मतलब डिमोलाइज करके आपको नया बनाना पड़ेगा। ये चीज़ भी आपके पास अथॉरिटी होती है, आप ऐसे भी उसको गाइड कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। अगर कंक्रीट वो फेल हो जाता है तो फिर वो स्ट्रक्चर तोड़ के उसका जो भी वर्किंग का मतलब हुआ था, काम हुआ था, उसका आप उसको कॉस्ट नहीं दे सकते हो। ये मतलब जो पॉलिसीज रहती हैं उसमें मेंशन भी होता है, जो कार्ड्स होते हैं उसमें मेंशन होता है। तो इससे हमारा यही हुआ कि अगर टेस्ट फेल हो जाता है, मतलब स्लम टेस्ट फेल हो जाता है, तो आप उसको रोकवा भी सकते हो। अगर अलाउ करते हो तो उसका कंक्रीट टेस्ट करो, अगर वो ठीक आ गया मतलब जो टेस्ट पास हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क आगे चलता रहेगा। अगर फेल हुआ तो वो स्ट्रक्चर तोड़ के नया बना के उसको देना होगा, मतलब जो पहले का खर्चा होगा वो भी आप नहीं दे सकते हो, और साथ में आप उसका जो तोड़ने का काम रहेगा वो भी आप उसको नहीं दे सकते, ये आप पे डिपेंड होता है। देखो यहाँ भी जो मैंने ये पूरा सामने आप देख रहे हो इस पर लिखा भी है, ये आप पढ़ भी सकते हो, क्लॉसिस वगैरह भी लिखी है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, डज एन इंक्रीज अ मैक्सिमम एग्रीगेट साइज बेनिफिट द स्ट्रक्चर। अगर हम जो एग्रीगेट का साइज है वो बढ़ाते हैं वो स्ट्रक्चर को बेनिफिट करता है कि नहीं करता है? देखो इसमें क्या चीज़ है, जो जैसे हम जो हमारे डैम वगैरह होते हैं उसमें तो आपने देखा होगा 150 mm तक उसमें एग्रीगेट यूज़ किया जाता है, 75 mm, 100 mm, 150 mm, इतना बड़ा बड़ा एग्रीगेट यूज़ किया जाता है, वो अलग बात है। इसमें क्वेश्चन है कि एग्रीगेट यूज़ करने से होता है, देखो होता क्या, जैसे हम एग्रीगेट डालेंगे अगर हमें मेंशन है 25 से 40 mm या 20 mm का एग्रीगेट हम यूज़ कर सकते हैं, जितना एग्रीगेट हम डालेंगे उतना सरफेस एरिया मतलब सैंड सीमेंट वगैरह कम होगा, तो पानी वाटर सीमेंट रेशो कम होगी, मतलब पानी हमें ज़्यादा नहीं लगेगा। और इससे ये क्लियर होता है कि अगर जितनी कम वाटर रेशो होती है, वाटर सीमेंट रेशो जितनी कम रहेगी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की आती है। तो इससे ये क्लियर हो गया, मतलब ये तो नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम बड़ा एग्रीगेट यूज़ करेंगे, जितना मेंशन है 40 mm मैक्सिमम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर में तो ठीक है, ज़्यादा यूज़ करने से बस वाटर सीमेंट रेशो कम होगी, उससे स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इसमें कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर हम एग्रीगेट का साइज़ बड़ा करते हैं, मतलब पड़ता तो है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वाटर सीमेंट रेशो कम हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्यों हम 150 by 150 mm का क्यूब ही यूज़ करते हैं, क्यों हम IS कोड हमें तो कहता है 100 mm का भी होता है यूज़ कर सकते हो, 150 mm भी यूज़ कर सकते हो, 225 mm भी यूज़ कर सकते हो, या 300 mm का क्यूब साइज़ आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम क्यों 150 by 150 का ही यूज़ करते हैं, 100 by 100 का क्यों नहीं यूज़ करते हैं? ये काफ़ी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर वीडियोज़ भी आ चुकी हैं हमारी, कमेंट भी हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है, देखो जो हम 150 by 150 का यूज़ करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ, हमारा मशीन पे डिपेंड होता है, जो हम कंप्रेसिव सिटीएम मशीन यूज़ करते हैं, क्यूब टेस्ट के लिए मशीन यूज़ करते हैं जैसे सामने आप देख रहे हो, तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है, उसकी लिमिट कैपेसिटी होती है कि इतने तक ही वो स्ट्रेंथ को दे पाएगा, मतलब उतने में ही आपको क्यूब को फेल करके बताएगा कि इतनी स्ट्रेंथ आई। इसको हम निकालते कैसे, इस पर मैं वीडियो लाया था, जैसे हम 150 by 150 mm का क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 150 by 150 by 150 मतलब 150 by 150 करना है एरिया इनटू जितना भी ग्रेड का आप टेस्ट करने जा रहे हो M20 या 30, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको वहाँ लोड मिल जाएगा कि कितना लोड हमारा आने वाला है, कितने लोड पे वो क्यूब फेल होगा अप्रॉक्स। क्योंकि होता क्या है, लोड अपॉन एरिया मतलब हमारा कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, लोड अपॉन एरिया तो उधर से हमारा निकल जाएगा। तो अभी बात आती है कि 100 mm by 100 mm का यूज़ करें या 150 by 150 का। देखो 150 by 150 का हमें इसलिए सही रहता है कि उसमें हमारा जो एग्रीगेट, हम 25 से 40 mm का भी एग्रीगेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर मिक्सचर आ जाता है, एग्रीगेट भी आता है, सैंड सीमेंट मतलब प्रॉपर एक फिक्स आ जाएगा, उसका टेस्ट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट हमें देता है, मतलब एक अच्छा रिजल्ट हमें देता है 150 by 150 का, इसलिए हम उसे यूज़ करते हैं। अगर हम 100 mm का यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें साइज़ छोटा होता है तो मोस्टली आपका क्या है, उसमें एग्रीगेट फिल हो जाएगा, और वो जब हम उसको टेस्ट करने जाएंगे उसका रिजल्ट बैरी कर सकता है, किसकी वजह से, जो एग्रीगेट सिर्फ एग्रीगेट होगा उसमें ज़्यादा, तो एग्रीगेट क्या होगा, स्लिपेज के कारण जल्दी टूट जाएगा, तो उसमें रिजल्ट में थोड़ा वैरी आता है। आप इसको अच्छे से टेस्ट भी कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, 100 by 100 का भी क्यूब भरना है, 150 by 150 का भी क्यूब करना है, उसी कंक्रीट से उसी ग्रेड से, तो फिर आपको टेस्ट देखना है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 100 by 100 में प्रॉपर मिक्सचर नहीं हो गया होगा कंक्रीट का, उधर ज़्यादा एग्रीगेट चला गया होगा, लेकिन 150 by 150 में क्या होगा, प्रॉपर
मिक्सचर चला गया होगा। और अभी बात करते हैं हम 225 बाय 300 का क्यों नहीं यूज़ करते, 225 का भी यूज़ कर सकते हैं, 300 का भी यूज़ करते हैं, वो क्यों नहीं करते? देखो जैसे जैसे हम साइज़ बड़ा करते जाएंगे, एरिया बड़ा करते जाएंगे, वैसे वैसे कैपेसिटी हमें मशीन की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी उसको फेल करने के लिए। तो वो मशीन की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, मशीन आपके उसके लिए बड़ी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा लोड चाहिए उस कंक्रीट उस क्यूब को टेस्ट करने के लिए। तो इधर से आप तीन चीज़ें आपको क्लियर होगी कि 100 बाई 100 का क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि वहाँ प्रॉपर से मिक्सचर नहीं फिल होता, ज़्यादा एग्रीगेट चला जाता है 100 में, क्योंकि छोटा सा एरिया होता है। 150 में एक स्टैंडर्ड साइज है, उसमें हम सब हो जाएगा और रिजल्ट भी वो अच्छा देता है। अगर 300 बाय 225 का यूज़ करते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको मशीन बड़ी चाहिए और मशीन की कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसको हैंडल करने में दिक्कत होगा, और जब उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। जब वो ब्रेक होगा 225 बाई 225 का क्यूब या 300 बाई 300 का क्यूब, तो उसमें से जो एग्रीगेट अगर बाई चांस छूटा तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है उसमें वो टेस्ट करने में, इसीलिए हम 150 बाई 150 का क्यूब हम मोस्टली यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है कि इफ़ कंप्रेशन टेस्ट फेल शुड स्कीमिड हैमर टेस्ट बी अडॉप्ट एज अल्टरनेटिव टू प्रूव द कंक्रीट स्ट्रेंथ। तो अगर जो हमारा क्यूब टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट फेल हो जाता है तो हमें क्या स्कीमिड हैमर टेस्ट करना चाहिए? देखो जो स्कीमिड हैमर टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है सिर्फ कंक्रीट की हार्डनेस चेक करने के लिए कि वो कंक्रीट कितना हार्ड है उसकी, क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी कर जाती है। अगर प्लंगर के आगे एग्रीगेट आ गया तो वो रिजल्ट थोड़ा अलग दिखाएगा, लेकिन हम इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते। अगर हमारा कंप्रेसिव टेस्ट क्यूब टेस्ट फेल हो जाता है तो स्कीमिड हैमर कई जगह पे तो इंजीनियर अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है। ऐसे तो हमें मिनिमम 6 वैल्यू लेनी होती है और मैक्सिमम 15 वैल्यू उसकी लेनी होती है, जैसे आप सामने देख रहे हो ऐसे हम टेस्ट करते हैं उसका, लेकिन वो एक अल्टरनेट नहीं है। हम नो बोलेंगे, इसके बाद आप कोर करके उसका कंप्रेशन टेस्ट कर सकते हो, फिर जहाँ तो और काफ़ी ज़्यादा आगे हो जाता है टेस्ट होते हैं, उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि वो कंक्रीट प्रॉपर है कि नहीं, तो स्कीमिड हैमर को हम नो बोलते हैं। तो ये चार क्वेश्चन थे जो आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी काम आएंगे और एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको क्या करना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और सिविल इंजीनियर जॉब्स के रिलेटेड हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, उसमें डेली जॉब्स आती हैं। मॉर्निंग में एक जॉब आई जो फ्रेशर्स के लिए भी थी, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी थी, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और इसको भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी थैंक यू गाइस, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट करना और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ो आप। थैंक यू गाइस। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करने वाला हूं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। 20 से 30 इंटरव्यू क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है जो उसमें ये इंटरव्यू एक बंदे से पूछे भी गए हैं, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ क्या आंसर आपको इसके देने हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको काफ़ी काम आएंगे साइट पे जाके भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हैं और ऐसे भी जो क्वेश्चन हमारे थियोरेटिकल रहते हैं वो क्वेश्चन भी इसमें हैं। पहला क्वेश्चन है बट विल द इफेक्ट ऑफ अवर इन्फोर्समेंट, अगर हम किसी स्ट्रक्चर में अवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो क्या उसका क्या होगा? तो देखो होता क्या है, जब हम ओवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं तो तीन टाइप की होती है, मतलब एक तो रहती है हमारी ओवर बैलेंस और कम, मतलब बिलो रिइंफोर्समेंट। तो ओवर में होता है क्या, हम अगर स्टील ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो जो फेलियर के देता है, मतलब क्योंकि हमारा स्टील क्या होता है, टेंसाइल होता है, जब उस पर लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे वो साइन डिफ्लेक्शन का साइन शो करेगा, थोड़े क्रैक दिखेंगे, फिर वो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये फेल होने वाला स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम सरिया ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक ब्रिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा और कोई साइन नहीं देगा फेलियर का, एकदम से वो गिर जाएगा। अगर कैंटिलीवर बीम है या स्लैब है कैंटिलीवर, तो उस केसेस में ये चीज़ देखी जाती है सबसे ज़्यादा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टील टेस्ट, कौन कौन से स्टील टेस्ट किए जाते हैं। देखो आपको नाम क्या क्या देना है, एक तो हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, स्टील का जो भी पार्ट होगा उसका हम चेक करेंगे कि प्रॉपर वो टेंसाइल है, ज़्यादा कार्बन तो नहीं है उसमें। कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं, बेंडिंग टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ रहा, टोर्जन टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ये 5 नाम आप ले लोगे तो काफ़ी हैं, ये इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि इसको टेस्ट के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट, कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो आपको नेम देने हैं, कंप्रेशन टेस्ट देते हैं हम मेनली जो क्यूब टेस्ट किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसकी चेक, सेटिंग टाइम हम चेक करते हैं, एयर कंटेंट हम चेक करते हैं, बीबी टेस्ट करते हैं वर्कबिलिटी चेक करने के लिए, स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट और एयर कंटेंट टेस्ट। इतने अगर आप नाम लोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है।
अगला क्वेश्चन है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता था, आजकल थोड़ा कम देखा जा रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है कंक्रीट का। तो इनिशियल जो रहता है हमारा वो 30 मिनट के इर्द गिर्द रहता है, आपको मिनिमम 30 मिनट बोल देना है, और जो मैक्सिमम रहेगा वो 10 आवर या 600 मिनट वो रहता है हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द कवर फ्लैप स्लैब, स्लैब जो हम कास्ट करते हैं, आगे मैं स्लैब भी बताने वाला हूँ, टाइप ऑफ स्लैब, 16 टाइप की स्लैब होती है, तो वो जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो उसमें कितने का कवर प्रेफरेबल होता है। कोड कहता है 15 mm का कवर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 mm का कवर वहाँ नहीं अच्छे से चल पाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं 25 mm का कवर उसमें प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, 25 mm का। अगला क्वेश्चन है ब्रिक स्ट्रेंथ इज मोर और कंक्रीट ब्लॉक, अगर कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। देखो ये टाइप होती है, टाइप ऑफ ब्रिक, किस टाइप की ब्रिक यूज़ कर रहे हो, या टाइप ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, हॉलो ब्लॉक है तो उसकी थोड़ी कम होती है दो सॉलिड ब्लॉक से, और ब्रिक की थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड ब्लॉक। अगला है बट इज ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, मतलब तीन टाइप की हमारी ब्रिक आएगी, कॉमन ब्रिक या सेकंड या ए क्लास ब्रिक। तो जो कॉमन ब्रिक हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो वो आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और जो सेकंड क्लास ब्रिक रहेगी उसकी मिलेगी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिलती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ डबल ए प्लस ग्रेड होते हैं जो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी उनकी मिलती है, आपको ये आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है बट इज़ बेस ईयर, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो। बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप ई टैब वगैरह सीखोगे ना तो उसमें आपको ये काफ़ी काम आएगी। बेस ईयर क्या होता है, मतलब हम एक जब भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो एक लेटरल जो फोर्स होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो हमारा, अगर मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है उसको नीचे से एक सिस्मिक की वजह से, मतलब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें या कुछ भी कोई भी सिस्मिक एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से लेटरल मैक्सिमम लेटरल फोर्स कितनी लग रही है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर जो हम बोलते हैं एक, मतलब जैसे जैसे हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते जाएंगे सिस्मिक लेटरल फोर्स बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है, मतलब उसको इसीलिए उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कॉलम उसके उसी फेस में रखे जाते हैं जिस हिसाब से लेटरल फोर्सेस ज़्यादा लग रही हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस पर वीडियो ज़रूर आएगी। अगला है बट इज़ बेरिंग कैपेसिटी एंड हाउ टू डिटरमाइन इट, बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बेरिंग कैपेसिटी हर चीज़ की अलग अलग चीज़ है, मतलब अगर हम बात करें सॉइल की तो मतलब एक बेरिंग कैपेसिटी, एक चीज़ पता क्या है, कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता समझने के लिए हम बेरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सॉइल है वो कितना लोड बेयर कर सकती है उसके बाद फेल हो जाएगी, वो उसकी एक बेरिंग कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच इज़ द क्यूरिंग टाइम पीरियड, क्यूरिंग करने का क्या क्या टाइम होता है। देखो मिनिमम आपको 7 दिन क्यूरिंग करनी है, और अगर आपने एडमिक्चर्स मिनरल वगैरह यूज़ किए हैं तो 10 से 14 दिन आपको क्यूरिंग उस चीज़ की करनी है, कोई भी स्ट्रक्चर है। ओके, अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लैब एंड देयर हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू डिज़ाइन तो इसमें हम नहीं बात करेंगे कि कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो बेसिकली हमारी 16 टाइप की स्लैब देखी जाती है, नाम सुनते रहना, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली स्लैब रहती है हमारी फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या हो गई, उसी में जो कंसील्ड बीम रहेंगे फ्लैट के स्लैब के अंदर ही बीम होंगे तो उसे हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। फिर हमारी 1-way 2-way हो गई उसमें। फिर हमारी होती है होलो कोर स्लैब। होलो कोर स्लैब कौन सी हो गई, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्शन जैसे निकाल देते हैं कॉलम से और उसमें होलो ब्लॉक, मतलब एक स्लैब होगी उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो हवा खाली स्लैब होगी, अंदर हवा है, जैसे होलो ब्लॉक होते हैं वैसी एक स्लैब होती है, उसको हम प्रोजेक्शन के ऊपर रख देते हैं। फिर होती है हमारी हार्डी स्लैब। हार्डी स्लैब में क्या होती है, होलो ब्रिक्स होती है ना, उनकी हेल्प उनसे हम पूरा वो छत बना देते हैं, वो हो गई हार्डी स्लैब। फिर वेफल स्लैब को क्या हो गई, तो हमारे वेफल्स निकले होते हैं, हमने जो वेफर खाया है वेफर वैसे ही उसमें नीचे खड्डे खड्डे टके होते हैं, मतलब वेफल हम क्या करते हैं एक सब साइड के बीम जैसे बना देते हैं, बीच में वेफल्स रख देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं, नीचे वो प्रोजेक्शन दिखती है वेफल्स की तरह। डोम स्लैब, डोम स्लैब क्या होगी, डोम जैसे हमारा ताजमहल का डोम है वैसी वाली स्लैब हम कर रहे हैं, उसे हम डोम स्लैब बोलेंगे। फिर हो गई हमारी पिच रूफ स्लैब, और फिर हमारी हो गई पिच रूफ स्लैब क्या होगी, जैसे स्नो एरिया में देखो स्लोप्ड में ऐसे किया होता है कि जो भी ऊपर से स्नो पड़ेगी वो नीचे गिर जाए डायरेक्ट, तो उसी टाइप का मतलब एक बना दिया था उसे हम बोलते हैं पिच रूफ स्लैब। फिर होती है स्लैब विदार चीज, नीचे आर्च की उसके ऊपर स्लैब कर दी, वो स्लैब विदार चीज हो गए। पोस्ट टेंशनिंग स्लैब हो गए, स्लैब करके उसको हम टेंशन उसकी टेंशन दे रहे हैं तो वो पोस्ट टेंशनिंग हो गया, और वैसे ही प्री टेंशनिंग पहले टेंशन दे दी फिर हमने स्लैब कास्ट की। अगला है
केबल सस्पेंशन स्लैब, केबल मतलब जैसे सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उसमें जो स्लैब डाली रहती है उसको हम केबल सस्पेंशन स्लैब बोलेंगे। लो रूफ स्लूब हो गई, मतलब रो रूफ स्लैब जो ऊपर स्लैब आती है उससे नीचे कोई भी स्लैब हम करते हैं, मतलब जो किचन की स्लैब कर रहे हैं या अलमीरा की ये शेल्फ, उसे हम लो रूफ स्लैब बोलते हैं। प्रोजेक्टिव स्लैब मतलब कैंटिलीवर स्लैब आगे निकलोगे हमें प्रोजेक्टिव स्लैब बोलेंगे। ग्रेड स्लैब हमारे नीचे मतलब मिट्टी पे हम कोई स्लैब करेंगे वो ग्रेड स्लैब हो गई। फिर संकन स्लैब, जहाँ संक होगा उसकी स्लैब को हम संकन स्लैब बोलते हैं। ये 16 टाइप की स्लैब आपको देखने को मिलेगी। हाउ मैनी आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? काफ़ी टाइप के होते हैं लेकिन मोस्टली हम साइड पे जो यूज़ करते हैं वो कंट्रोल जॉइंट करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं, सेटलमेंट जॉइंट करते हैं, सिस्मिक जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये सब जॉइंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। वाई जो है, वाई जॉइंट्स आर प्रोवाइड, जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। कंट्रोल जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं कि क्रैक्स नहीं आए उसके लिए हम करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट भी वही चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी उसी लिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्रैक्स नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपेंड हो तो उसमें क्रैक नहीं आए, सेटलमेंट हो तो तब क्रैक नहीं आए, तो उसी चीज़ के लिए जो भी काज हो उसके लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 100 MQ, तो एक 100 MQ में कितनी ब्रिक्स होती हैं? अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें 19 इंच बाई 9 इंच की ब्रिक, तो 1 MQ में वो 500 ब्रिक होती हैं, तो 100 MQ में हो गए 50,000 ब्रिक हमारी 100 MQ में होगी। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ DPC एंड इट्स थिकनेस यूज्ड, टाइप ऑफ DPC को होती क्या है? डैम प्रूफ कोर्स, तो कितने टाइप की होती है? वो बेसिकली काफ़ी टाइप की आती हैं लेकिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं कॉन्क्रीट की लेयर यूज़ करते हैं 30 से 40 mm की, जहाँ कोई मेम्ब्रेन डाल देते हैं, जहाँ हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम तीन चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हैं DPC में। बट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इन द बिल्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट शेप क्या है बिल्डिंग की? अगर हम सर्कल कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है, और अगर कोई ऐसे शेप हम देखें तो ट्राइंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है। अगर हम ट्रस की बात करें तो वहाँ इसलिए हम ट्रस में ट्राइंगल शेप की चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो, वट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉइल, एवरेज डेंसिटी कितनी लेती है? 1.6 ग्राम पर cm³। अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर बीम एंड स्लैब, तो कितना स्लम्प होना चाहिए? अगर हम वो बात करें पंप से माल कंक्रीट कर रहे हैं तो बीम और उसके लिए स्लैब के लिए 120-130 करेंगे, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें वो स्लंप 100 से 120 रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉइल रीइंफोर्समेंट, सॉइल रीइंफोर्समेंट क्या है? तो हम सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाएं, अगर हम उसमें ऐड करें सॉइल नेलिंग करें या कोई जिप्सम ऐड करें या सीमेंट ऐड करें उसको प्रॉपर बनाएं तो वो उसकी रीइंफोर्समेंट होगी, मतलब उसके हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं किसी भी तरीके से वो उसकी सॉइल रीइंफोर्समेंट होगी। बट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, मतलब जो कॉलम है वो एक कंप्रेशन मेंबर है, वो मतलब एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, तो उसका काम क्या होता है? वो लोड लेता है स्लैब का लोड बीम पे, बीम के थ्रू कॉलम पे, कॉलम के थ्रू फुटिंग के थ्रू सॉइल पे काम जाता है, तो वो फंक्शन बेसिकली कॉलम का रहता है बिल्डिंग का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेड M5 एंड M7.5, तो ये है M5 की होती है 1:5:10 और M7.5 की होती है 1:4:8 और 1 हो गया हमारा सीमेंट, फिर हमारा सैंड और फिर हमारा एग्रीगेट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन थे जो आपके काफ़ी काम आएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। आई होप आपको समझ आए होंगे। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब रखो और बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू गाइस। तो स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर एक वीडियो बनाओ जिसमें हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें कि हमारा कोई कॉलम है उसको कितनी कॉस्ट आएगी कंक्रीट के मामले में, यानी कि मैं टोटल कॉलम की कॉस्ट आपको बताऊंगा कि स्टील कितना जाएगा, लेबर कितनी जाएगी, सिर्फ हम कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे कि हमारा एक कॉलम है, जैसे आप सामने ये कॉलम देख रहे हैं, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कॉलम है उसमें कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, वो कैसे निकालेंगे, मतलब वो विद इन 2 मिनट आप वो निकाल सकते हो, एक सिंपल प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मीटर और MM में मेरी वीडियो पहले भी है, इस पर मैं बना चुका हूँ, वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, लेकिन आज मैं फीट में आपको बताऊंगा क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे सर हमें फीट में चाहिए, इंच में चाहिए, तो वही आज का वीडियो होने वाला है। एक सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो सैंड एग्रीगेट और सीमेंट कितना लगेगा, और उसका रेट भी हमें पता चल जाएगा कि सैंड का रेट क्या पड़ेगा, सीमेंट का क्या पड़ेगा और एग्रीगेट का क्या पड़ने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम, तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कॉलम का साइज कितना है 9 इंच बाई 12 इंच का, ये हमारा एक कॉलम है और इसकी मैं आपको थोड़ा एलिवेशन बना के दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा 9 बाई 12। अभी साइड पे से ही वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत रहेगा आपको, बस देखते जाइए, सिंपल है। और ये हाइट उसकी हम ले लेते हैं 10 फीट जो हमारी नॉर्मल रहती है घर की हाइट, तो ये हो गया 9 बाई 12 और 10 फीट उसकी हाइट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये हमारी 10 फीट है तो ये 9 इंच वाला है जो इसे हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके हमें करना क्या होता है, जब हमारा जो भी कॉलम का साइज है, हमने यहाँ 9 इंच बाई 12 इंच लिया, आप 12 इंच बाई 12 इंच ले सकते हो, 9 इंच बाई 9 इंच, जो भी आपका कॉलम यूज हो रहा है वो आप साइज ले सकते हो। ये हमने साइज ले लिया, उसके बाद हमें निकालना होता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या है, ये फीट में हमें इसके कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया 9 इंच है, 9 इंच डिवाइड बाय 12 करेंगे हम, तो हमारा क्या होता है, एक फीट किसके इक्वल होता है 12 इंच के, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 9 डिवाइड बाय 12, तो आ गया 0.75 फीट, और जो 12 इंच था 12 डिवाइड बाय 12, तो वो हो गया हमारा 1 फीट। तो इसको हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 0.75 ये हमारा ऐसे ऐसे आ गया, ये हमारा इधर आ गया और 10 फीट ये आ गया, तो ये हो गया 7.5 क्यूबिक फीट हमारा क्या वॉल्यूम आ गया। इसकी हेल्प से अभी हम निकाल लेते हैं। अभी हम यूज कर रहे हैं M20 का कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं कॉलम में, आपको M20 से ऊपर ही हमेशा कॉलम में यूज करना है, M25 M30 ऐसा कंक्रीट आपको यूज करना है, M20 से नीचे ग्रेड वाला आपको कभी भी कॉलम में यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें ये दिक्कत हो सकती है। तो उसकी रेशो क्या होगी, 1:1.5:3, मतलब 1 का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ये आपका आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है, जो जो मैं स्टेप बताते जा रहा हूँ वो आप देखते रहो, बाद में इसको पॉज करके आप लिख भी सकते हो प्रोसीजर पूरा। तो टोटल करना है 1 + 1 1.5 + 3, ये हो गया हमारा 5.5, ये टोटल कर लिया। अभी क्या करना है आपको, अभी हमारा क्या होता है, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है, जो सीमेंट आता है वो हमारा ड्राई होता है, सैंड जो आती है हमारी ड्राई होती है, एग्रीगेट ड्राई होता है, जैसे जो चीज हमारी ड्राई होती है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जो जब गीली हो जाती है तो वो कम हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेते हैं, एक बाल्टी में हम सीमेंट डालते हैं, तो वो अगर फुल हम ड्राई सीमेंट बोरी में से निकाल के डाल दिया, जब हम उसमें पानी मिक्स करेंगे तो जो बाल्टी होगा सीमेंट होगा वो आधे तक पहुंच जाएगा। मतलब क्या होता है, जो ड्राई स्टेट होती है वो 54% ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू वेट। तो इसलिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा वॉल्यूम आया 7.5 हमारा वॉल्यूम आया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से, ये क्या हो गया 54% ज्यादा हो गया। तो ये हमारा हो गया 11.5 MQ, हमारा वॉल्यूम हमें मिल गया, मतलब पहले हमारा वॉल्यूम क्या आया था 7.5, अभी ये हमारा इतना हो गया। क्लियर, इतना हो गया। अभी हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी हमें निकालना है सीमेंट का। तो सीमेंट के लिए आपको क्या करना है, हमारी रेशियो क्या थी, हमारी रेशियो थी 1:1.5:3, ये रेशो थी हमारी। तो सीमेंट के लिए आपको क्या करना है, 1 हमारा इधर आ जाएगा डिवाइड बाय 5.5, ये कहां से आया 5.5, मैं आपको दिखा देता हूं, 5.5 आया हमारा, टोटल किया हमने 1 + 1, इसको टोटल किया तो ये आ गया 5.5, इसको हमें डिवाइड कर देना है, ये आया हमारा 1 / 5.5 × 11.5, ये कौन सा आया, हमारा जो 11.5 क्यूबिक फीट निकला था किसमें, जब हमने 1.54 से उसको मल्टीप्लाई किया था 7.5 को, तो ये हो गया, तो ये आया हमारा 2.1 क्यूबिक फीट हमें सीमेंट लगेगा। लेकिन हमें जो सीमेंट आता है मार्केट में बैग के हिसाब से आता है, तो बैग कितने लगेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, 2.1 डिवाइड बाय 1.23, ये क्या है 1.23, ये वॉल्यूम है बैग का क्यूबिक फीट में, तो डिवाइड कर देंगे 2.1 डिवाइड बाय 1.23, वो आ गया हमारा 1.7 बैग हमारे सीमेंट लगेंगे उस कॉलम को करने में। फिर सैंड पे आते हैं, तो हमारा रेशियो क्या था 1.5 × 11.5 हमारा टोटल वॉल्यूम है, डिवाइड बाय 5.5 क्या था, इन तीनों को हमने प्लस किया था जब, तो वो आ गया 3.15 क्यूबिक फीट हमारा सैंड लगेगा। फिर हम बढ़ते हैं एग्रीगेट की तरफ, तो एग्रीगेट क्या है हमारा, 3 था यहाँ रेशो में, 3 डिवाइड बाई 5.5 क्या टोटल था उसका, इंटू जो हमारा वॉल्यूम आया था कॉन्क्रीट का क्यूबिक फीट में, तो वो हो गया हमारा 6.28 क्यूबिक फीट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, सीमेंट भी मिल गया हमें कि मतलब अप्रॉक्स 2 बैग हमें सीमेंट लगेंगे, सैंड कितनी लगेंगे हमारे 3.15 क्यूबिक फीट हमें सैंड लगेगी, एग्रीगेट कितना लगेगा 6.2 क्यूबिक फीट। अभी आपको क्या करना है, आपकी निकल गई एक कॉलम की, ऐसे अगर आपके 10 कॉलम है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अभी हमें मार्केट का प्राइस पता कर लेना है कि सैंड का क्या, एग्रीगेट क्या है। तो ये हमारा आ गया 1.7 बैग हमारे सीमेंट जा रहे थे, 350 रुपये बैग हमारा सीमेंट का प्राइस है, तो वो हो गया 5.95 हमारा पैसा कितने जाएगा सीमेंट में एक कॉलम के लिए। फिर एग्रीगेट का क्या था हमारा 3.15 क्यूबिक फीट आया था सैंड, और उसका मार्केट भाव हम पता करते हैं, तो 460 रुपया एक क्यूबिक फीट का, तो 3.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 1149 क्यूबिक फीट हमारी सैंड खर्चा जाएगा। फिर हमारा एग्रीगेट का 6.28 एक क्यूबिक फीट का रेट है 68 रुपये, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 428 रुपये, तो हमारा टोटल हो गया 2472 रुपया हमारा
टोटल हो गया कि इतना हमारा सीमेंट पे खर्चा होगा, ये हमारा सीमेंट का हो गया, ऐसे हम स्टील का निकाल लेंगे, लेबर का निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी कि हमारे को एक कॉलम बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो वैसे हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। इस पे एक वीडियो में पहले बनाया था हमने, टोटल निकाला था उसमें, लेबर कितनी लगेगी, शटरिंग कितनी लगेगी, सरिया कॉन्क्रीट सब निकाला हुआ है, वो वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लेकिन इसमें कोई भी डाउट अगर होता है आपको तो आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस।